buzz.com। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 36। अवाच्य वादांश बहुं वदिष्यन्ति तवा हितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? पहले भी जो क्षत्रि हुआ करते थे, वो युद्ध को अगर ललकारा जाए तो मना नहीं करते थे, क्योंकि अगर आपको ललकारा गया है तो आपको वो चैलेंज एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। इसलिए जब जुआ खेले थे युधिष्ठिर, तो कई लोग बड़ा अवहेलना करते हैं कि क्यों खेले थे, नहीं खेलना चाहिए था। वो खेलने के दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहली बात तो उनके पास खुद का राज्य था, इंद्रप्रस्थ था, सब था, लेकिन ये शकुनी की चाल थी कि वो आए और आदेश दिलाया था धृतराष्ट्र से, जो तभी राजा थे। तो सम्राट का आदेश स्वीकार करना जरूरी होता है, इसलिए आए थे। और दूसरा है कि अगर वो मेरे चाचा भी हैं तो उनकी इच्छा है तो मैं उनको मना नहीं कर पाऊंगा। और तीसरा था कि वो क्षत्रिय थे, पांडवों में श्रेष्ठ थे, तो इसलिए उन्होंने आह्वान स्वीकार किया। तो जुआ आह्वान में खेलिए या मजे के लिए खेलिए, आज तक जुआ ने किसी का भी भला नहीं किया है। वो सारे परिवार रास्ते पे आ चुके हैं जिन्हें जुआ खेलने का आदत है। अब जुआ को पाप माना जाता है, इसलिए क्योंकि जुआ में व्यक्ति अपनी बुद्धि को नहीं लगा पाएगा, उधर लक पे है। अब पासे डालेंगे कितना आएगा, या पत्ते खेलते हैं लोग, तीन पत्ती में जुआ खेलते हैं, पैसा डालते रहते, फिर तीनों पत्तों को उलटिएगा तो आपके हाथ में नहीं है वो, आपके कर्तव्य बुद्धि में कुछ नहीं आएगा, वो लक में है। तो लक से कोई भी चीज करिएगा तो पैसा लगाना और लक पे वेट करना, मतलब वो निर्बुद्ध काम है, नो इंटेलिजेंस यूज्ड। तो ऐसे चीज को पाप ही माना जाता है। तो जुआ खेल के आपका भला नहीं होगा। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे शत्रु तुम्हारा अपमान करेंगे, क्योंकि उस जुआ के बाद द्रौपदी को वस्त्र किया गया जो कर्ण ने आदेश दिया था दुर्योधन को कि तुम लाओ उसे। कर्णों को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन उनके ऐसे आदेश सुन के संशय होता है कि ऐसे आदमी को अच्छा कैसे कहा जाए जो दूसरों को विवस्त्र देखना चाहे। तो यहां पे कर्ण के बोलने पे दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन ने वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, परंतु द्रौपदी के अपने शक्ति से वो बच गई। परंतु सभी पांडवों ने वचन लिया था कि हम कौरवों को नहीं छोड़ेंगे, खास करके भीम ने, जिसने कहा था कि मैं दुशासन का खून तक पी जाऊंगा। तो ये ऐसे क्षत्रियों जो तुम्हारे भाइयों ने वचन लिए हैं, युधिष्ठिर ने अगुवाई किया है युद्ध का, इन सब का भी अपमान हो जाएगा, तो कैसे सहोगे ये सब? कई बार आदमी जोश में कुछ बोल देता है, कर लेता है, लेकिन आधे में जाने के बाद हालत खराब हो जाता है। कई बार ट्रेकिंग में जाते हैं लोग पहाड़ चढ़ने के लिए, तो आधा चढ़ते तो फिर लगता है छोड़ दो यार, ये बहुत ही बड़ा पहाड़ है। हम लोग उतरते हैं, देखते हैं हम नीचे भी बहुत बड़ा है, तो बोलते हैं चलो उससे अच्छा है कि थोड़ा चढ़ ही लेते हैं। कई बार लोग केदारनाथ जाते हैं तो घोड़ा जो है खच्चर पे जाते हैं, लेकिन जाते जाते उसमें भी 5 घंटा लग जाता है, चल के जाते तो 8 या 9 घंटा लग जाता है, चल के ऐसा लगता है कि बस अब हो गया, चलो हो गया, यहीं से दर्शन करके निकल जाते हैं। लेकिन जब आधा चढ़ जाते हैं तो आधा हौसला हमें रखना चाहिए कि इसके आगे बस और आधा ही बचा है और हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अपमानित होने से अच्छा है कि तुम युद्ध को स्वीकार कर लो। तो इस प्रकार भगवान वापिस युद्ध की तरफ अर्जुन की मनोबल को बढ़ा रहे हैं। और आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं भगवान। अब वो कर्मकांड की भाषा कहेंगे कि जीतने पर क्या होगा, हारने पर क्या होगा, और करते हुए बुद्धि को भी जगा रहे हैं। तो सकाम का कर्मयोग के भी की बात कर रहे हैं, एक जगह अपने कर्तव्य बुद्धि को भी वो जगवा रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान हम सबको भी आदेश दे रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में कोई समस्या आए तो भाग के मत जाइए,
उधर रुकिए और रुक के उसको संघर्ष करिए, वो आपके साइड से रिजल्ट आ जाएगा। आधे में कोई भी काम मत छोड़िए। तो ये बहुत अच्छा सीख जो भगवान दे रहे हैं वो हमें सीखना चाहिए। तो दैनंदिन गीता में बने आवाज.com पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो कह रहे हैं भगवान कि मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो साम्राज्य प्राप्त करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं युद्ध करो। ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख है कि भगवान हमसे चाहते क्या है। कई बार हमारे जीवन में संकट आ जाता है और टेंशन आने लगता है, हमसे समस्या हल नहीं होता है, हमको बोर होने लगता है। कई बार लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन रूटीन लाइफ जीते हैं, थोड़ा थोड़ा जी, मतलब वही सुबह उठे, डब्बा लिए, नौकरी पे गए, घर आए, लेट नाइट बच्चों के साथ थोड़ा गपशप किया, सो गए, फिर उठे, फिर वही ईएमआई हफ्ता कट रहा है, फिर वही सैलरी आ रही है, फिर वही 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 रोज कर करके इतना बोर हो जाता आदमी कि लोनलीनेस फील करने चालू कर देता है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि लाइफ में अपने नेचर के साथ काम करो, जो तुम्हारा गुण है। अगर तुम्हारा वही गुण है तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारा वो गुण नहीं है तो अपने कुछ गुणों को खोजो और उनके लिए भी समय निकालो। और इससे क्या होगा, आप अपने गुणों को प्रवृद्ध करके उसको बढ़ा के आपका मन जो है वो रमित रहेगा, और इसलिए लोनलीनेस फील नहीं होगा, स्ट्रेस फील नहीं होगा। और मन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति। जब आत्मा भगवान की सेवा में लग जाए तो वो ऐसे ही सुख की अनुभूति करता है, क्योंकि सेवा करना उसके स्वभाव में है। अगर वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो घर पे कुत्ता पाल लेगा या बिल्ली पाल लेगा, या कोई घर पे बच्चा है तो उसी को प्यार करेगा, तो ये स्वभाव में है। तो भगवान कह रहे हैं आपका जो स्वभाव है ये बदलेगा नहीं, आप क्षत्रिय हो, आपको तो लड़ना ही पड़ेगा। ये ऐसा होता है ना, देखिए जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप देखिए कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कुछ लोग हैं वो गाड़ी साइड से निकाल के भाग जाते हैं, उनको सब में गिरना नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं दूर खड़े होते हैं, उनको जो ही पता चलता है लड़ाई हो रहा है तो वो लोग भी आके एक दो पंच मार के चले जाते हैं, चांस लेके जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका गुण होता है, मतलब नहीं चाहते हुए भी वहां पहुंच ही जाएंगे। कुछ समाज कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनको नहीं बोलेगा तो भी वहां पहुंच जाएंगे सेवा के लिए। कुछ लोग आलसी होते हैं, उनको कितना भी समझाइए और वो जल्दी उठेगा नहीं, काम करेगा नहीं। तो ये कुछ गुण हैं। तो हमारे जो अच्छे गुण हैं उनको बढ़ाना चाहिए और हमें आधे में संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दयालु आदमी दयालु ही रहेगा, अस्वार्थी आदमी स्वार्थी ही रहेगा। अगर दयालु अपना दया छोड़ देगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्वार्थी आदमी अपना स्वार्थ छोड़ देगा, वो तो वैसे ही रहेगा। तो उसमें लॉस जो है वो धर्म का है, इसलिए व्यक्ति को अपने गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल कई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल देते हैं लोग, ब्लैक का पैसा व्हाइट करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे सच्चे दिल के दानी लोग हैं जो सच्चे कार्य के लिए लक्ष्मी देते हैं। तो उन्हें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, उनको देना चाहिए, अच्छे अच्छे कामों को ढूंढ के देना चाहिए। तो अगर हम कोई खाना खिलाते हैं गरीबों में, बांटते हैं, तो हमें भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटते रहना चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा दान है जब भगवान के भक्त हरि कीर्तन करते हैं रस्तों पे, इसको सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि इस दान सीधा आत्मा के लिए जाता है। इसमें पेड़ पौधों का उद्धार होता है, इसमें जीवों का उद्धार होता है, मनुष्य का उद्धार होता है। तो इस कोई भी कार्य में आधे में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आगे तो यश है ही है, हार भी गए तो इसमें कोई लॉस नहीं है। 40वां श्लोक अभी आएगा तब भगवान बोलेंगे देयर इज नो लॉस इन दिस पाथ, इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में या कर्म के मार्ग में
कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि आप अपने गुणों से काम कर रहे हो। लाइक कुत्ता बिल्ली है, इन लोग का जो आदत है वो वैसे ही काम करते हैं। उनको आप कभी नहीं देखिए कि बाघ आके आपका आम मांग रहा है, वो कभी नहीं मांगे, उसके गुण में है ही नहीं, इसलिए उन्हें कोई पाप नहीं लगता। मनुष्य को इसलिए पाप लगता है क्योंकि वो अपने गुणों से अगर अलग कुछ करता है तो उसे उसका कर्म भोगना पड़ता है। तो इस ज्ञान को और बढ़ाएंगे हम लोग और समझेंगे। हमारे साथ आवाज.com पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि पाप तो अर्जुन का एक डर था कि मैं अगर इन्हें मार दूंगा तो मेरे हाथ से पाप हो जाएगा। आई डोंट वॉन्ट टू बी ए बैड गाय, आई एम ए वेरी नाइस मैन, यू नो मैं बहुत पायस हूं, आई एम वेरी स्पिरिचुअल। ऐसे लोग आजकल बहुत नखरे करते हैं। आप कहीं भी जाइएगा, लोग अपना अटायर ऐसा साधु संत वाला बना लेते हैं। बूढ़े लोग रात को बियर पीते हैं और सुबह आके एकदम गले में माला देखिएगा, रुद्राक्ष का होगा, सर पे टीका चानन लगा होगा। तो ये आज का कल्चर बड़ा वियर्ड हो गया है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तुम्हें ऐसे, ये जो तुम पाप सोच रहे हो वो असली में पाप नहीं है। असली पाप तो ये है कि तुम कर्तव्य नहीं कर रहे हो। जिसके लिए तुम्हें नियुक्त किया है वो तो तुम कर नहीं रहे हो। अगर किसी पुलिस को पेमेंट मिलता है समाज में व्यवस्था रखने के लिए और वो व्यवस्था नहीं रखते हुए अव्यवस्था का काम कर रहा है, तो आइदर यू आर अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। या तो आप समस्या के पक्ष में हो या आप सुझाव के पक्ष में हो। तो या तो आप डिसाइड करिए। आप सोच रहे हो नहीं 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 मैं समस्या में नहीं रहूंगा और सुझाव में भी नहीं रहूंगा, तो इसका मतलब आप समस्या है। साइलेंस इज इन वन सेंस एक्सेप्टेंस, मौनम सम्मति लक्षणम। अगर आप मौन हैं इसका मतलब आप उस काम को सम्मति दे रहे हैं। आप विरोध करेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ आप विरोध कर रहे हैं, मतलब आप उस पक्ष में हैं। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख समय कृत्वा, इसलिए सुख और दुख की चिंता मत करो, सम रहो, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ, लाभ मिले या अलाभ मिले, प्रॉफिट मिले या लॉस मिले, जया जयो जय मिले, कभी जीत जाओगे कभी हार जाओगे, कभी ऐसे लगेगा कि हाँ अभी, कभी होता है लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो कभी लगता है अब जी ये जीतेगा कभी ये हारेगा ऐसा लगता है, वैसे जीवन में भी आपकी इच्छाएं कभी कभी पूर्ण होंगी कभी कभी नहीं होंगी, लेकिन उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप केवल युद्ध करो, युद्ध नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा ही लगेगा। कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूं। अगर दुर्योधन को युद्ध नहीं किया जाए, दुर्योधन को सम्राट घोषित कर दिया जाए, तो दुर्योधन सारे पांडवों के जो योद्धा थे उनसे एक एक करके बदला लेगा, फिर उनके जो उनके काफिले में जो गाय हैं या महिलाएं हैं उन पर अत्याचार होगा। 5 प्रकार के लोग हैं, इनके ऊपर कभी अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसलिए क्षत्रिय समाज खड़ा होता है। पहला मतलब माताएं, वुमन, ओल्ड पीपल बूढ़े लोग, बच्चे बालक, गाय और ब्राह्मण। इन 5 पे कभी अत्याचार न हो इसलिए क्षत्रिय समाज होता था। अगर क्षत्रिय समाज हो तो किसी भी ब्राह्मण को शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्त्री को रक्षण मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज जो पुलिस डिपार्टमेंट बन जाता है तो वो पेमेंट पे काम करते हैं, तो पेमेंट में वो किसी और से भी थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट लेके वो किसी के भी पक्ष में काम कर सकते हैं, इसलिए अब लोगों को विश्वास नहीं बचा है। लेकिन जो खून से क्षत्रिय है वो ऐसे कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे अन्याय करते ही उसे खाना पचना बंद हो जाएगा, उसे चिंता ग्रसित कर लेगी। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं अगर आप वो नहीं करते हो तो ये 5 जो लोग हैं, 5 प्रकार के लोग जो आप पे आश्रित हैं, इनके साथ आपने धोखा किया, तो आपको ऐसा, आप ऐसा मत करिए, आप अपने कर्तव्यों को करिए। भागवत में भी कहा गया है देवर्षि भूत भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन
सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। तो इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी, लेकिन यहां पे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इन सब से भी बचना चाहते हो तो ये तब होगा जब तुम भगवान हरि के भक्त बनोगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों में अपने जीवन समर्पण करोगे, तब तुम इन कर्तव्यों से मुक्त हो सकते हो, अन्यथा तब तक तुम्हें कर्तव्य बुद्धि से ही काम करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार लोग घर से परेशान होकर घर छोड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं हम संन्यास ले लिए, हम बहुत बड़े भक्त हो गए। ऐसे नहीं चलेगा। घर छोड़ के आसक्ति अगर नहीं छूटी हो तो दिक्कत हो जाएगा, और आसक्ति ज्ञान और भक्ति से ही छूट पाएगी, अन्यथा मुश्किल है। तो मिथ्याचारी होने से अच्छा है कि व्यक्ति प्रामाणिक रहे और अपने कर्तव्यों को करे। तो अब भगवान क्या है, अभी धीरे धीरे अर्जुन को भगवान भक्ति के मार्ग में भी अभी थोड़ा मोड़ रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं आगे और क्या क्या होगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 39। एषा ते भी तासांखे बुद्धि योगे तुमाम श्रृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहां पे दो प्रकार के सांख्य योग हैं। एक है नास्तिक सांख्य, एक है आस्तिक सांख्य। नास्तिक सांख्य में केवल इन कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इन धातुओं का मिश्रण और इनका कार्यकलापों को समझा गया है, और आस्तिक में ईश्वर का इससे कैसे कनेक्शन है इसको समझा गया है। इसलिए कहते हैं कि एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। कि सांख्य दर्शन का अंत है कि आप नारायण को स्मरण करें, क्योंकि अंत में उन्हीं के अंडर कंट्रोल है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अब मैं तुमको इस सांख्य योग या बुद्धि योग के बारे में बता रहा हूं। अब ये जो बुद्धि योग है ये भक्ति योग है, ध्यान से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही कंफ्यूजन होने के कारण अर्जुन तीसरे अध्याय में पहला श्लोक में यही पूछने वाले हैं। उनको लग रहा है बुद्धि योग मतलब ज्ञान योग, तो कह रहे मैं ज्ञान मेरे को मिल गया, अब मैं कर्म नहीं करूंगा। तो ये बुद्धि योग भक्ति है, और भक्ति मतलब कार्यान्वित। भक्ति मतलब ये नहीं कि बस बैठे हैं तो हाँ मुंडी हिला दिया तो भक्ति हो गया, नहीं, भक्ति कार्य करने से होती है। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि अब हे प्रथापुत्र, अब तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सकते हो, ऐसा मैं ज्ञान अभी आपको दूंगा। तो इससे पहले तो भगवान ने आत्मा का ज्ञान दे दिया, बीच में उन्होंने उनको मीठे मीठे शब्दों से या कर्म कांड कह सकते हैं, जिसमें आदमी, क्योंकि वेदों में 90% जो हमारा ज्ञान है वो कर्म कांड का है। कर्म कांड में फलश्रुति है, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसे करोगे तो आपको फल मिलेगा, धन मिलेगा। कई बार लोग ज्योतिष को हाथ दिखाते हैं, हमारा हाथ देखिए आपको क्या लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो बोले हाँ ठीक है। तो अब वो लोग ज्योतिष लोग आपको रास से या हाथ के भविष्य से, आपके जन्म तिथि से बहुत कुछ बता देते हैं। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं वो सब अपने जगह, और मैं जो अभी तुम्हें बता रहा हूं, अभी जो मैं तुम्हें भक्ति बताऊंगा, ये मार्ग बताऊंगा, ये एक अपनी जगह है। तो भगवान अभी सांख्य दर्शन में आस्तिक भाग बताने वाले हैं, और भक्ति कैसे करना चाहिए,
किस भाव से तुम्हें युद्ध करना चाहिए, जिसे तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। अन्यथा तुम जो पीछे श्लोक बताए थे ना, कर्मकांड जो जिसमें फलश्रुति बहुत है, उससे भी आप बच जाओगे, क्योंकि फलश्रुति मिलते ही व्यक्ति जो है वो लोभी बन जाता है और फंस जाता है। तो कर्मकांड से जब व्यक्ति पूरी तरह से उब जाए या समझ जाए, तब वो कर्मकांड से सकाम कर्म की तरफ बढ़ता है। और सकाम जो अभी भगवान ने इसे पहले वाले श्लोकों में बताया, उसको समझने का तो समझ में आता है कि ये काम मतलब इच्छा, तो सारी इच्छाओं के साथ करते हुए करने से अच्छा है, क्योंकि इच्छा दुख का कारण है। तो इच्छाओं को रखेंगे लेकिन बिना इच्छा के, निष्काम बिना इच्छा के हम कर्मों को करेंगे, करते हुए करते रहेंगे, फिजिकल काम चलते रहेगा। तो इस निष्काम कर्म का भी भगवान अभी उनको ज्ञान देंगे, लेकिन ये निष्काम को असली में भगवान बुद्धि योग कह रहे हैं, जो भक्ति है, ठीक है, क्योंकि इसको भगवान से जोड़ा गया है इसलिए ये भक्ति है। तो यहां पे हम लोग अगले श्लोक में समझने का प्रयास करेंगे भगवान के साथ, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 40। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमिव्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है नहीं रास अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। बहुत ही सुंदर रूप से भगवान अर्जुन को मार्ग बता रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर मार्ग है। कह रहे हैं कि अगर आप ये कर रहे हो तो, क्योंकि आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, इसमें थोड़ा भी अगर आप अच्छा काम करते हो तो इसमें त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े बड़े भयावह कर्म जो आपके फंसे हुए हैं, आपको रिएक्शन है, तकलीफ आने वाले हैं अन्य जन्मों में आगे, तो वो सारे हट जाएंगे, भगवान छोड़ देंगे, क्योंकि ये इतना सरल मार्ग है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया, अगर कोई गाय को बचाता है मरने से तो उसे भगवान कहते हैं, मैं उसे वैकुंठ में अपने द्वार में ले लेता हूं, अपने घर में ले लेता हूं। तो ये भगवान की वाणी है। तो थोड़ा भी, एक बार हमारे स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, इन्होंने, इनका उंगली, एक भक्त था वो सब्जी काट रहा था, उसका उंगली थोड़ा चक्कू से लग गया, जो होता है कभी, तो उंगली पकड़ के आया प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद बोले क्या हुआ? बोले उंगली कट गया। बोले नसीब है तुम्हारा कि तुम भक्ति में हो, क्योंकि हमारे नसीब में क्या है हम नहीं जानते, हो सकता तुम्हारा मृत्यु लिखा था, लेकिन भगवान ने तुम्हें और भी मौका दिया है सेवा करने का, इसलिए थोड़ा उंगली कट गया। तो प्रायः भक्त को यह समझना चाहिए कि मेरे साथ जो हो रहा है वो बेसिकली बीज रूप है, पहाड़ रूप में जो आने वाला था वो बीज रूप में आ रहा है। भगवान बड़े दयालु हैं, वो बड़े का भी छोटा करके आपको दे देंगे, क्योंकि आप इस मार्ग में आए हो। तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जो तकलीफ होने वाला है वो छोटा हो जाएगा। इसे कई बार देखा जाता है कि हम लोग बड़ी समस्या में हैं, समस्या में ही सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन अगर प्रामाणिक रूप से मदद मांगते हो तो जरूर कुछ अच्छा ही होता है। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो ये सोच रहे हो कि तुम्हारे वजह से वो लोग मर जाएंगे, तुम्हें दुख होगा, ये होगा, तो ये जान लो कि ये धर्म मार्ग है। तो तुम किसी आसक्ति हेतु मत करो, जैसे पहले तुम सोच रहे थे कि मैं क्यों गद्दी लूं, उससे अच्छा उन्हीं को गद्दी मिले, तो तुम गद्दी के लिए मत करो अभी, ना उसकी गद्दी हटाने के लिए करो, तुम केवल धर्म के कार्य समझ के इसको अब करो। मैंने तुमको सकाम लोभ दिखाया, तुमने नहीं आपने एग्री नहीं किया, मैंने सकाम कर्म बताया फिर भी आपने एग्री नहीं किया, मैं भी आपको निष्काम रूप से बता रहा हूं कि ऐसे करोगे तो आपका कोई हेतु नहीं होगा, आपको कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप केवल धर्म के रूप में कर रहे हो, तो इसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि आपको थोड़ा कार्य करने से इतना फल आएगा, और जो आपका कर्तव्य है वो भी हो जाएगा, समाज भी आपका अपमान नहीं करेगा, तो इसलिए आप इस बुद्धि से करो। इस संबंध में भागवत में एक श्लोक आता है, वो कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वोत पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम अभूत मुष्य किम
को वार्त आप तो भजताम सुधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना मृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। अगर कोई भगवान के चरणों को छोड़ के कुछ भी पाले तो उसको कुछ फायदा नहीं है। और अगर वो भगवान के चरणों में आश्रित है और थोड़ा भी कर ले तो इतना पा सकता है। तो यहां भगवान अर्जुन को भक्ति का ग्लिम्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये मार्ग कितना सरल है, सुखदायी है। आगे नौवे अध्याय में बोलेंगे मैं, है ना, कि ये सुसुखम कर तुम अव्ययम, कि मार्ग एकदम सुसुख है, इसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी अर्जुन को नहीं समझ रहा है। तो भगवान आगे अब बुद्धि को, एक व्यवसायी बुद्धि को कैसे चलाना चाहिए इसके बारे में और बोध करेंगे अर्जुन को। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा इस श्रृंखला में। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज.com पे हरे कृष्णा कॉम पे दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो अर्जुन अलग अलग पर्यायों को सोच रहे थे, इसलिए भगवान अलग अलग पर्यायों को जवाब देते हुए उनको भी नए नए पर्याय दे रहे थे कि अगर आप सिर्फ भाइयों का हत्या सोच रहे हैं और गुरुजनों का हत्या सोच रहे हैं तो वो मरते नहीं, वो अमर हैं, केवल आप उनको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करके उनकी हत्या करो। फिर भी उसके बाद उनका मन भटका कि नहीं मैं क्यों मारूं, इसे तो पाप चढ़ेगा। तो भगवान ने कहा कर्तव्य नहीं करने से पाप चढ़ेगा, और यदि तुम स्वर्ग मार के युद्ध करते करते अगर मर जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर जीत जाते हो तो यहां राज्य करके सुशासन आप स्थापित कर सकते हो। ऐसे अनेक अनेक विभिन्न विभिन्न मार्गों से भगवान ने समझाया। और यहां पे ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे अर्जुन अपने मन से भटके हुए हैं। तो भगवान ने पहले इसके पहले वाले श्लोक में कहा भी था कि आप कम से कम इस धर्म के रास्ते पे चलिएगा। धर्म यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ कार्य, उनकी तरफ ले जाने वाला जो क्रिया है या कार्य है उसे धर्म कहा जाता है। तो धर्म के रास्ते पे चल रहे हो तो इसमें थोड़ा भी कार्य करोगे तो बहुत बड़ा फल मिलेगा, अपेक्षा से ज्यादा फल मिलेगा। इतना कहने के बाद जब वो देख रहे हैं अर्जुन को, तो अनेक चिंताओं में ग्रसित अर्जुन अभी भी क्लियर नहीं है, या वो अभी भी उनको समझ नहीं रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या फिर भी युद्ध करना चाहिए कृष्ण के बोलने पे या नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे अनेक शाखाओं में अगर बुद्धि आप तुम्हारी लगाओगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए दृढ़ता पूर्वक जो मैंने पहले कहा है वैसे आप युद्ध करो। इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं। तो गुरु मान लिया था भगवान को अर्जुन ने, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब वो कहते हैं कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्यस्मितं ब्रूहितं मे शिष्यस्त्यहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम्। कि हे कृष्ण, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं, आप आदेश दो। अब इतना आदेश देने के बाद भी जब वो नहीं समझ रहे तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे अपने मन को विचलित करोगे तो मेरी आज्ञा का पालन आप नहीं कर पाओगे। गुरु की आज्ञा का पालन करना है तो कम से कम बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए और दृढ़ता पूर्वक आदेशों का पालन करना चाहिए। एक बार
कनकदास नामक एक भक्त थे, उनके गुरु ने जब उनको कहा कि जाके प्रचार चालू करो और जाने से पहले उडुपी में भगवान कृष्ण का दर्शन कर लो, भारत में उडुपी कर्नाटका राज्य में आता है, वहां पे भगवान कृष्ण का सुंदर मंदिर है, तो वो जब वहां जा रहे थे तो कई द्वेषयुक्त व्यक्तियों ने उनके ऊपर हमला किया और वहीं गिर गए और दीवार के पास गिरे। तो भगवान को भक्त का दर्शन लेना था क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके ये किया था, तो दीवार फूट गया और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। तो जो गुरु की आज्ञा पे विश्वास रखता है वो जरूर ही सफल होगा, कृष्ण स्वयं उनसे प्रसन्न होंगे। तो यही स्वामी प्रभुपाद जी ने भी अपने जीवन में दिखाया था। उनको जलदूत से जब वो अमेरिका जा रहे थे तो दो बार हार्ट अटैक आया, उनके जेब में केवल 40 रुपए थे और उधर से वो अमेरिका गए और हार्ट अटैक आने के बाद भी पीछे नहीं लौटे। वो बोले अगर मेरा मृत्यु भी हो जाए तो मैं इस रणभूमि में, प्रचार के रणभूमि में ही अपना जीवन त्याग करूंगा। वो वहां गए, उन्होंने प्रचार किया और 12 साल में उन्होंने 14 बार विश्व की परिक्रमा करते हुए 108 मंदिर बनाए, 80 से ज्यादा ग्रंथ लिखे, 10,000 से ज्यादा प्रवचन किए और कम से कम 15,000-20,000 शिष्य उन्होंने अपने समय में बनाए जो आज पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। रशिया, चाइना, जापान, यूएस, यूके, सारे देशों में आज लोग भगवत भक्त बन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है कि हमें गुरु के शब्दों में विश्वास होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृत है। कि अगर आप विश्वास है और अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सारे कर्मों को आपने कर दिया है। ये भगवान ने ऑफर दिया है अर्जुन को कि तुम मेरी आज्ञा का पालन समझ के इसको करो, वो सकाम निष्काम ये सब छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। तो अब ये परीक्षा तो शिष्य की है, परंतु अभी भी उन्हें अर्जुन के कुछ हाव भाव ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो करेंगे युद्ध। लेकिन अगर किसी को गुरु के वाणी पे विश्वास हो तो व्यक्ति सरलता से यशस्वी हो जाएगा। हमारे एक आचार्य हैं, उन्होंने हमारी जो मंगल आरती है उसमें एक अष्टक लिखा है गुरु के ऊपर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक अष्टक लिखा है, उसमें उन्होंने अंतिम अष्टक में कहा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायांस्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वंदे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, अगर गुरु की वाणी का उनके आज्ञा का पालन करते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक शिष्य को चाहिए कि वो गुरु ने बताए हुए इस मार्ग पे चले और आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाए। तो इस श्लोक का सार यही है कि हमारे बुद्धि को अनेक जगह बांटने से अच्छा है गुरु और कृष्ण की आज्ञा में लगाएं और भक्ति में जीवन जीते हुए अपने शरीर की जरूरतों को, सिर्फ जरूरतों को पूरा करते हुए और आत्मा को भगवान की सेवा में पूरा तत्पर करके चेतना को, कृष्ण भावना भावित चेतना को जागृत करें। इस प्रकार हम इस जीवन में भी सुखी रह सकते हैं और अंत में भी भगवान के धाम में प्रवेश करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन अर्जुन की हालत यह है कि अभी भी अर्जुन कन्फर्म नहीं है, तो आगे भगवान उनके मन के कुछ शंकाएं हैं जो उन्होंने नहीं बोले हैं, परंतु भगवान फेस रीडर हैं तो चेहरा पढ़ के वो भी कुछ उनके शंकाओं का निवारण अगले कुछ श्लोकों में करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बनिए रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आवाज.com दैनंदिन भगवद गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 42-43।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इंद्र तृप्ति को सर्वे सर्वा मानने वाले, चाहे इस संसार में, आजकल तो बहुत लोग वेद पढ़ते भी नहीं हैं, ये वो समय था जब लोग वेदों के आधार पर जीवन जीते थे, जिसमें बहुतांश भाग स्वर्ग लोक जाने के सारे गुणों के वर्णन किया करते थे। आप ये यज्ञ कीजिए, आप ऐसे रहिए वैसे रहिए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वैदिक प्रथा में स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ लोक माना गया, जो काल से परे है। स्वर्ग लोक में वो लोग जाते हैं जो देवी देवता बनने की आशा रखते हैं और स्वर्ग में आनंद उपभोग करने का प्रयास करते हैं। तो यहां भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप स्वर्ग की भी कामना मत करो। ये स्वर्ग की कामना देने वाले जो ये मीठे मीठे शब्द हैं शास्त्रों के, अलंकारिक शब्द हैं, इससे बच के रहो, क्योंकि यह स्वर्ग जाके भी आप फंस जाओगे। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि ऐसा कोई मार्ग मैं बताऊं जिससे आप सुख प्राप्त कर सकते हो और स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज में फंसना नहीं। जैसे आज भी लोग समझो वेदों को नहीं मानते हैं, या कई लोग वेदों को पढ़ते नहीं हैं, तो उन्हें वो सब ज्ञान स्वर्ग का वो लोग स्वर्ग ही नहीं मानते हैं। परंतु स्वर्ग नहीं मानते तो इस संसार में जो सबसे अच्छे जगह हैं, जैसे कुछ अमेरिकन सिटीज हो गए, स्विट्जरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे कुछ देश हैं जहां उनको लगता है कि यहाँ बहुत सुख सुविधाएं हैं, पेरिस, यू नो, ऐसे ऐसे शहर में वो लोग रहना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे ऐसे देशों में अपना घर बसाना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अगर वो स्वर्ग की संकल्पना नहीं है तो इस संसार के स्वर्ग की संकल्पना जरूर है। इसके लिए वो वीजा की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, टॉफिल देते हैं, जीआरई देते हैं, डिग्री करते हैं, मास्टर्स करने के लिए जाते हैं, कोई जॉब करने के लिए जाता है, कोई अपना बिजनेस करने के लिए जाता है। तो ऐसे कर करके अंत में वो वही स्वर्ग की सुख की प्राप्ति के चक्कर में, उनका जो स्वर्ग है, जो उनकी सोच का स्वर्ग है, उनके संकल्पना में जो स्वर्ग है, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। उसी प्रकार पहले के लोग, उनको मालूम था कि एक्चुअल ओरिजिनल स्वर्ग है जहां देवी देवता रहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए लोग वेदों का सहारा लेके काम किया करते थे। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन उन मीठे पुष्पिताम वाचम, मीठे मीठे फ्लावरी वर्ड्स के पीछे आप मत भागो, और ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा, मैं पाप नरक जाऊंगा कि स्वर्ग जाऊंगा। आप ये सोचो कि यहां गुरु की क्या इच्छा है, और अपने मन को मत भटकाओ, एकाग्र करो, बहुशाखा मत करो, जो मैंने पिछले श्लोक में भी आपको कहा। तो इस प्रकार भगवान वार्निंग दे रहे हैं अर्जुन को और अपने शिष्य को। वो धीरे धीरे सारे संशयों को सुन के या देख के निवारण कर रहे हैं। आगे देखते हैं भगवान कैसे अर्जुन का मूड अभी धीरे धीरे चेंज करेंगे और उनको भक्ति में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में
भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। अब अर्जुन की मनस्थिति समझते हुए वो उन भोग में फंसे हुए लोगों की, जिनका फिलॉसफी होता है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, दिस लाइफ इज ऑल एंड ऑल, यही जीवन सर्वे सर्वा है, आप जो भी उपभोग कर सकते हैं अभी का अभी करिए, आगे न नर्क है न स्वर्ग है, ये इनका अपना अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उनका कहना है कि न नर्क है न स्वर्ग है, जस्ट एंजॉय, एक साइकोलॉजी संसार में बन जाती है जब व्यक्ति नास्तिक दर्शन का शिकार हो जाता है। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, प्रसक्त मतलब आसक्त में भी प्रकृष्ट रूपे नासक्त, पूरा तरह से अगर कोई आसक्त है, और आसक्त का मतलब है कि कोई चीज से वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है और उसको छोड़ ही नहीं पा रहा, जैसे घर में बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, कई बार लड़के होते हैं वो गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपने बाइक से प्रेम करते हैं, वो आसक्ति है, तो 10 बार गाड़ी पोछेंगे भले खुद नहाए ना नहाए, गाड़ी को पोछ के बाहर घुमाएंगे, तो ये आसक्ति हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम, इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ऐसे व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो पूरी तरह से यूजर्प हो जाता है उस चीज पे, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक प्रकार से एनर्जी है, जैसे बल्ब है तो उसका लाइट है, या कोई साउंड वाइब्रेशन हम ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं तो साउंड वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का अपना एक एनर्जी है, तो वैसे आत्मा का, सोल का, चेतना या कॉन्शियसनेस जो है वो उसकी शक्ति है, तो ये शक्ति जो है डाइवर्ट हो जाएगी तो सही जगह नहीं लगेगी और रिजल्ट गलत आएगा। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि आपका तया अपहृत चेतसाम, आपकी चेतना जो हर लेगी वो आसक्ति का विषय जो है वो हर लेगी, और यहां अर्जुन अपने, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन के कारण थे नहीं लड़ने को, कहते इसमें क्या भोग मिलेगा, दूसरों के रक्त पे रक्त रंजित होकर अगर मैं गद्दी पे बैठूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहां भगवान समझा रहे हैं कि ये जो आसक्ति भी है आपको कि मुझे क्या मिलेगा, ये भी आपके लिए घातक है। तो कह रहे समाधौ न विधीयते, समाधि नहीं लगेगी जो दिव्य चेतना में मुझ में लोग भक्ति करते हैं और पूरी तरह मुझे शरणागत होकर जो कार्य करते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर हमें भोग ऐश्वर्य से दूर होना है और भगवान के निकट पहुंचना है तो हमें साधना करना चाहिए। ये साधना जो है कई प्रकार के हैं, पर कलयुग में कहते हैं नाम साधना या जप साधना करके आप अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं इन भोग ऐश्वर्य के आसक्तियों से। इसके लिए प्रायः बहुत पहले से भी बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा सब मंत्र जाप किया करते थे। आप देखेंगे वो लोग झोली माला में हाथ डालते थे, या हाथ में माला होता था, गले में माला होता था, तो हरि के नाम का आप जप कर सकते हैं, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। ये कलयुग में हरि के नाम के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं है। तो प्रायः ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है बड़ा फेमस है, सरल है, कई बार इनको देवी देवताओं को आरती में बोला जाता है, और इसको आप जप के रूप में भी 108 बार माला में कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है ये दिव्य ध्वनि है जो भगवान के धाम से आती है, और यहां वो जो भी उसका जप करेगा उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उस सारे कलमशों से बच जाएगा। तो ये इस मंत्र की शक्ति है। तो इसलिए अगर हमें समाधि लगाना है तो हमें कलयुग में जप का जो विधि है वो हमें चालू रखना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कैसे भगवान इसी मुद्दे पर, भोग के मुद्दे पर, कैसे अर्जुन की चेतना को वापिस सही ट्रैक पे लाते हैं। तो ये जानने के लिए बने रहिएगा आवाज.com पे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन
निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो आपके मन में वेदों के, क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था कि मैंने वेदों में ऐसे सुना है, मैंने पहले अपने गुरुकुल में ये सीखा है, तो स्वाभाविक है उनका रेफरेंस बुक जो है वो वेद था। तो क्योंकि उन्होंने वेदों के इन पाप पुण्य की व्याख्या तो वेदों में ही होगी, क्योंकि मॉडर्न कॉलेज बुक्स में इसका कोई व्याख्या है नहीं, इसलिए कौन क्या कर रहा है वो खुद नहीं जानते। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ाई के नाम पे नशा, व्यसन, दारू, यही सब करते रहते हैं, और पढ़ाई में ध्यान लगाने का छोड़ के इसी सब ड्रग एडिक्शन में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेद पढ़ते थे गुरुकुल में बच्चे, उनके माध्यम से अर्जुन को क्या ज्ञान होगा ये भगवान जानते थे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप त्रैगुण्य विषया वेदा, आप क्या करो, वेदों में तीन गुणों का जो वर्णन हुआ है, सत्वगुण में कैसे जिया जाए, रजोगुण में कैसे जिया जाए, तमोगुण में कैसे जिया जाए, ये सब छोड़ो है अर्जुन, और इन तीन गुणों से ऊपर उठो। उससे क्या होगा, तो समस्त द्वैत जो है, द्वैत यानी द्वंद्व होते हैं, हर चीज का द्वंद्व होता है, कोई भी काम अच्छा होता नहीं ना कोई काम बुरा होता है। जैसे कोई कचरा साफ करता है, स्वीपर है, तो कोई बोलेगा नहीं ये गंदा काम है, ये गंदा काम नहीं है, क्योंकि वो साफ कर रहा है तो भले उसको गंदगी लगेगी लेकिन उससे शहर साफ हो रहा है, नाला साफ हो रहा है। तो एक साइड अच्छा होता है तो एक साइड बुरा होता है। आप किसी को सच बोल देंगे लेकिन उसे हर्ट हो गया, तो सच बोलने का आपने अच्छा काम किया लेकिन उसी के साथ साथ हर्ट होने का बुरा काम भी आपके हाथ से हो जाता है। तो ये द्वंद्व है। तो कह रहे समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे और आत्मपरायण बन जाओगे। तो आप जो है अब आत्मचिंतन में जाओ। ये अभी क्या फायदा मिलेगा, क्या लॉस होगा, प्लीज ये सब का आप चिंता मत करो। ऐसे भगवान अर्जुन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो इतने फलश्रुतियां ढूंढ रहे हो कि मैं राजा, क्योंकि पहले जो राजा हुआ करते थे या क्षत्रिय हुआ करते थे उन्हें धर्मशास्त्र और जो राजशास्त्र है, जो राजधर्म कैसे निभाया जाए, नीति शास्त्र, ये सब पढ़ाया जाता था, इसके तहत उनको पद मिलता था। आजकल के जो राजनेता हैं इनका कोई एजुकेशनल डिग्री भी नहीं होता, राजधर्म और नीति धर्म छोड़ दीजिए, झूठ बोल के किसी अपनी पार्टी के बंदे को गिरा कर दूसरे पार्टी के बंदे से हाथ मिला लेना, पैसा लेके सीट बेच देना, तो ये प्राय एक बिजनेस बन चुका है, बिजनेस मॉडल है। लेकिन पहले जो राजधर्म हुआ करता था उसमें हर धर्म की व्याख्या होती थी कि आपको क्या क्या कर्तव्य है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम ये तीन गुणों के जो आइडियोलॉजी है इनसे उठो और आत्मपरायण बनो और आत्मचिंतन में लगो, और कहां चेतना लगाना है, नहीं लगाना है, क्या कार्य असली में करना है, क्या सबके लिए हितकारी है, इन सब का चिंतन करो और इधर से अपनी चेतना को भौतिक भोगवादी चेतना से हटाओ। तो हम लोग देखेंगे इसके क्या फायदे हैं, क्या लॉस है, भगवान समझाएंगे आगे अगले श्लोकों में। हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 46। यावनर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो ये बहुत ही मुख्य बात है, ये खास करके उन लोगों को बहुत काम आएगा जो वेदों के कुछ थोड़े थोड़े बातों को अपने जीवन का मुख्य जीवन का भाग बना लेते हैं लेकिन पूरा पिक्चर या पूरा समझ नहीं होता, कंप्लीट पिक्चर जिसको कहते हैं या ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो कहते हैं वो नहीं होता, उसके वजह से वो कोई भी छोटा भाग जैसे कर्म मीमांसा
कर्मकांड, पूजा विधि, इन सब में फंस जाते हैं। पूरा पिक्चर जो है अंतिम जीवन का ध्येय क्या है इसको समझे बिना ही वो जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे एक छोटा कुआं है, इसका सारा काम अगर कोई बहुत बड़ा तालाब हो ये कर सकता है। उसी प्रकार अगर वेदों के आंतरिक तात्पर्य हम जान जाएं, वेद क्यों लिखे गए, वेद का काम है हम यहां भूले भटके इस संसार के माया जाल में फंसे हुए हैं और हमें हमारी चेतना को यहां से निकाल के भगवान की सेवा में लगाना है, ये मुख्य उद्देश्य है। तो ये मुख्य उद्देश्य भूल के अगर हम केवल कर्म कांड और पूजा विधि ये सब में लग जाएं तो फायदा नहीं होगा। आज भी लोग दिवाली मनाते हैं तो वैदिक प्रथा के हिसाब से दिवाली मनाते हैं क्योंकि भगवान राम उस दिन अयोध्या वापस लौटे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो समाज है, जो वैदिक समाज है, वो केवल फटाकों के आवाज के लिए दिवाली मनाते हैं। या होली खेला जाता है तो भगवान राधा और कृष्ण के आनंद में, आनंद उत्सव के रूप में खेला जाना चाहिए, परंतु अब केवल क्रिया रह गई है तो लोग बस एक दूसरे को कलर लगाने का आनंद लेते हैं, असली मूल मुद्दा जो है वो भूल जाते हैं। ये सब जो फेस्टिवल्स हैं ये हमारी चेतना को भगवान में लगाने के लिए है, न कि बस मटेरियल एंजॉयमेंट या भौतिक आनंद लेने के लिए है। तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार भगवान भी जो है वो अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि तुम इस चक्कर में फंसना नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप कर्म कांड करते रह जाओगे, छोटे छोटे पूजा विधि इसी में फंस जाओगे, जबकि ये सारा काम केवल भगवान के नाम जप में हो जाएगा। हमने जैसे पिछले श्लोक में भी आपसे बात किया था कि नाम जप ऐसा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का आधार है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कलयुग में अगर भगवान का अवतार होगा तो नाम रूप में होगा। तो ये जो युग चल रहा है वो कलयुग है, भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में आता है, अहो वत्स पचतो गरीयां यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहु शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृणन्त्येते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसा निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसे व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर कोई नाम जप विधि को ले रहा है, इसका मतलब पीछे सारा कर चुका है। तो इसलिए हमको ऐसे समय जन्म मिला है जहां सब अस्त व्यस्त है, वर्णाश्रम जगह पे नहीं है, भक्ति जगह पे नहीं है, न भौतिकवाद यशस्वी हो रहा है, न यंत्रवाद यशस्वी हो रहा है। उस घोर समय में केवल नाम जो है वो सबको तुष्टि दे पाएगा। इसलिए हमें नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, न कि छोटे छोटे इन चीजों में आउटराइट फंसना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आवाज.com पे बने रहिएगा, हम लोग आगे और भी आएंगे। हरे कृष्णा, और भी आएंगे। दैनंदिन भगवद गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है जो कई बार माता पिता अपने बच्चे को भारतवर्ष में पढ़ने के लिए उत्स्फूर्त करने के लिए श्लोक कह देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, या नौकरी
करवाने के लिए कह देते, अपने कर्तव्य अपने पांव पे खड़े हो जाओ, लेकिन वो अगला लाइन बोलना भूल जाते हैं, मां फलेषु कदाचन, कि फल की आशा मत करो, बिना सैलरी का नौकरी करो, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो इसलिए वो कहते हैं कर्तव्य करो। तो इस श्लोक में एक गूढ़ रहस्य है। यहाँ पे व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म होता है शारीरिक, जो गुणों से बना है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म करते रहो, आपको पूरा अधिकार है। और कर्म करते वक्त व्यक्ति आसक्त तो हो सकता है, तो भगवान कह रहे हैं लेकिन किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। जो फल आएगा, आप ये सोचोगे कि मैंने आज 10 किलोमीटर चला है तो मेरे को अस्थमा से मैं ठीक हो जाऊंगा, या आप ऐसा सोचोगे आज मैंने 10 एप्पल खाए हैं तो मुझे आज के बाद 1 महीना कोई रोग नहीं होगा। तो ये आपकी सोच है, सत्य का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मैं 80 के स्पीड से नीचे गाड़ी चलाऊंगा तो मेरे गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं होगी, लेकिन उससे कम चलाइएगा तो पीछे वाला के ठोक देगा। तो आप सोचने के लिए फ्री हैं, लेकिन आपके साथ क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं आप कर्म करते रहो और फल क्या आएगा इसकी आशा आप मत करो, क्योंकि कर्म फल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध वो होता है जो इस जन्म में विधि लिखित होता है, अप्रारब्ध वो होता है जो कोटा में बचा होता है, जो आपको अगले जन्म मिल सकता है, और इस जन्म जो आप कर रहे हैं वो उसमें जाके मिल जाता है, ऐड हो जाता है। तो प्रारब्ध जो है वो किसी का नहीं छूटा, वो आपका भी नहीं छूटेगा, कोई संत बन जाए या पापी बन जाए। कभी कभी पापी लोग बहुत पाप करते हैं लेकिन फिर भी देखिएगा बड़े सुखी रहते हैं, घर है, बंगला है और कोई तकलीफ नहीं है। और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं, बड़े तकलीफी में रहते हैं, घर का भाड़ा देने का पैसा नहीं होता, तो ये ऐसा हो जाता है। तो कई लोग कंपेयर करते हैं कि अरे हम इतने अच्छे हैं फिर भी देखिए हमारे साथ ये है, अब वो इतने बुरे हैं तो हम भी बुरे बन जाएंगे। तो ये सोच गलत है, क्योंकि जो अभी आया हुआ है वो पिछले जन्म का है। तो भगवान यह कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्तव्य करते रहो, मां फलेषु कदाचन, फल की आशा मत करो, क्या आएगा ये आप नहीं जानते। फिर वो कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम अपने काम को अपने कर्मों को के फलों का कारण मत मानो। अगर कोई रिजल्ट आ जाता है जैसा आपने सोचा, ये मत सोचना कि आपकी वजह से है, वो ऐसे भी आने वाला था। और फिर वो कहते हैं अच्छा तो आप ऐसा सोचोगे फिर मैं कर्म ही नहीं करूंगा, फायदा क्या जब मजा नहीं है। तो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आप कर्तव्य करने से विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कि वो निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसको चेकमेट श्लोक भी बोलते हैं। यहाँ भगवान ने 4 ऐसे स्टेटमेंट बोल दिए हैं कि इनको समझना मतलब ये तब सुलझेगा ये चारों चीजें, जब व्यक्ति भगवान का भक्त होगा और ये जान जाएगा कि भगवान भी मेरे जीवन में कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है, अर्जुन को बताने के लिए भगवान ने प्रेरित करने के लिए बताया। ऐसे ही बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो भगवान यहां अर्जुन को योग में स्थित होने की परिभाषा बताते हैं। वो कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग का अर्थ है युंज धातु से योग बनता है, यानी जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए जो कार्य करते हैं उसे योग कहते हैं। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है, क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि अब स्वयं जब भगवान कह रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा उससे आपको क्या लेना देना है, जब स्वयं भगवान आपसे कह रहे हैं। तो यहां पे योग के माध्यम से मतलब इस कनेक्शन को बना के आप आराम से मान अपमान का जो प्रश्न है वो हट जाएगा। एक बार एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े जमींदार थे,
और जमींदार थे। कुछ कारणवश उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ साधु संतों का उन्हें संग मिला और उन्होंने अपना सारा जो है व्यवसाय छोड़ के, किसी और को दे के, बेटे को दे के, खुद जो है उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और वृंदावन में आके बस गए। और वो भगवान में का ध्यान करते, जप करते, सेवा करते, वैष्णव की भी सेवा करते और रोज भिक्षा मांग के अन्न ग्रहण करते। ये असली साधु की पहचान है। वो साधु नहीं जो करोड़ों करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस रखे और भिक्षा मांगने से कतराए, वो साधु नहीं हो सकता। साधु की भी परिभाषा होती है। इतने अमीर होते हुए भी सब छोड़ के वो एक सच्चे साधु की तरह वृंदावन में रहने लगे। एक दिन ऐसे हुआ कि कोई सेठ जी आए था और सब साधुओं को कंबल एवं भोजन बांट रहे थे, तो इनके गुरु बोले जाओ आप भी कुछ ले आओ आश्रम के लिए। तो ये जो जमींदार थे ये भी जाने लगे। तो जब लाइन में थे, आगे पीछे देखा दूर से, तो उनको पता चला ये जो व्यक्ति दान दे रहा है ये मेरा कॉम्पिटिटर जमींदार है, जो एक जमाने में इनके साथ कॉम्पिटिशन करता था और इन दोनों में लड़ाई भी थी उस जमाने में जब ये घर में रहते थे पहले। अब इन्हें सवाल हुआ कि अब मैं इसे कैसे लूं। तब उनके मन में आया कि मैं जो भिक्षा मांग रहा हूं ये गुरु की प्रसन्नता के लिए मांग रहा हूं और मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं। करते करते वो भी आगे आए। जब आगे आके देने वाले ने देखा तो वो उसके आंखों से आंसू आ गया कि एक टाइम पे ये व्यक्ति कॉम्पिटिशन होता था, हम दोनों में लड़ाई होता था, आज ये व्यक्ति सब छोड़ के, अपने अहंकार को छोड़ के यहां सुख से भगवान के ध्यान में लगा हुआ है और मैं अहंकारी आदमी आज भी यहां आके दान का डंब कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने भी छोड़ दिया। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे उन गुरु के पास जाना चाहता हूं जिन्होंने तुम्हें ये नम्रता सिखाई है। और इस प्रकार व्यक्ति को जब कोई कहीं झुकना हो, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए झुके तो आसान है, अपने लिए झुकना बड़ा अहंकार को बड़ा मुश्किल होता है, मजबूरी में ही आदमी झुकता है। लेकिन यहां पूरी ज्ञान से और भगवान की प्रसन्नता के लिए, मतलब योग में, योगस्थ कुरुकर्माणी, तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि यहां तो स्वयं भगवान आदेश दे रहे हैं तो अब अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अर्जुन इमीडिएटली अभी लड़ाई नहीं करने वाले, उनको भी और बहुत कुछ उनके सवाल हैं। और अर्जुन यहां खुद क्षत्रिय हैं और वर्णाश्रम के अनुयायी हैं और विष्णु पुराण के हिसाब से कहा गया कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य है विष्णु को प्रसन्न करना, समसिद्धिर हरितोषणम, कि पूरा वर्ण और आश्रम ही जो है वो भगवान हरि को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया है। तो यहां पे क्षत्रियों को लड़ने का एक ही मकसद है कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़िए। लेकिन अभी अर्जुन तैयार नहीं हुए, ये देख के भगवान अभी भी अपने शिष्य को और ज्ञान देने वाले हैं। इसके लिए आप बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भगवान यहां अर्जुन को बहुत अच्छे तरीके से भक्ति का अब जो है पूरा मार्ग भगवान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भक्ति है वो समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। भक्ति करोगे तो अपने आप ये सब से आप दूर हो जाओगे, क्योंकि कर्म व्यक्ति को तब करना पड़ता है जब वो आसक्ति रखता है, कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए करता है। लेकिन जब उसका हेतु भगवान की प्रसन्नता हो जाती है तो अब वो शुद्ध भक्त के रूप में कार्यान्वित हो जाता है। राजा कुलशेखर की कहानी ऐसी ही थी। आज भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है, अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में,
वहां इतना सोना है कि गवर्नमेंट उसको हाथ भी नहीं लगा सकती। जो सीबीआई वाले गए थे और जो जिसने डेटा लीक किया था, वो दोनों का मृत्यु भी हो गया। ऐसे कहते हैं उसे स्वयं जो है गरुड़ जी रक्षा करते हैं। तो वहां पे जो सोना है ये स्वयं राजा कुलशेखर जब राजपाट करते थे तो रोज सुबह उठ के वो भगवान का दर्शन लेते, अपनी प्रार्थनाएं करते, दिन भर व्यवस्थापन देखते, फिर शाम में भगवान को प्रार्थना करते, जो भी सोना आता भगवान को देते और हमेशा जाके दंडवत करके बोलते पद्मनाभ दासन कि मैं पद्मनाभ का दास हूं, मैं आपका दास हूं। आज भी उनके परंपरा में आने वाले राजा रोज सुबह दर्शन के लिए जाते हैं और उनको खास दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये असली राजा की पहचान है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कर्तव्यों को करते हैं। तो दुर्भाग्यवश अभी राजशाही नहीं रहा, लोकशाही है, और लोकशाही में सब जो हैं आस्तिक हो या नास्तिक, भगवान को मुख्यतया पार्लियामेंट में या भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम ये शासन कर रहे हैं, ऐसा कोई भी छाती ठोक के नहीं कहता। लोग कहते हैं हम एक संविधान के लिए कर रहे हैं, तो अब भगवान का दर्शन शास्त्र नहीं मालूम होने के कारण अब उन्हें जो है ये इस प्रकार का शासन करना पड़ रहा है, जहां पे हर कोई एक दूसरे पे रोज चिल्ला रहा है, फर्नीचर मार रहे हैं, टेबल पटक रहे हैं। तो जब केंद्र बिंदु भगवान नहीं होंगे तो ये सब अपने आप होगा। तो इसलिए यहां बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि कैसे भक्ति के द्वारा आप इन अनंत कर्मों से बच सकते हैं और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं, और ऐसे करेंगे तो आप जो है एक तरह से उन्नत व्यक्ति कहलाएंगे, अन्यथा आप कृपण कहलाएंगे। तो चॉइस हमारा है। आज ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से सब जगह लोगों को कृष्ण के द्वार के जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, सबको सिखाया जा रहा है। धीरे धीरे स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा था कि एक मेरा तीसरा जनरेशन जो है वो पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेगा और अनुशासन करेगा आध्यात्मिक रूप से। तो ये बहुत ही चीज अच्छा चीज जो स्वामी प्रभुपाद जी कह के गए थे, भविष्यवाणी करके गए थे, ये जरूर सच होगा। और ऐसे होगा तब सारे प्रजा जो है वो प्रसन्न होंगे। तो आगे हम और भी देखेंगे कि भगवान क्या उपदेश देते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो जीवात्मा जो है वो अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित कर रहा है, इसलिए आपको अपने जो संचित किए हुए जो फल हैं उनका प्रारब्ध रूपी कर्म तो भोगना होगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि योग कर्म सुकौशलम, कि सही कर्म योग वो होगा जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए ये करें। जैसे हम लोग, एक बार एक राजा था, उसे प्रजा से मतलब सेवा करते करते बड़ा ऊब गया था, क्योंकि एक ही अलग प्रजाति के लोग होते हैं, अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं और कभी समझ में नहीं आता है। तो राजा बड़ा परेशान था, वो अपने गुरु के पास गया, बोले गुरुजी हमसे अब ये प्रजा संभालना नहीं होगा, हमको मुक्ति दिलाइए, हमको राजा का पद छोड़ना है। तो गुरुजी बोले एक काम करो, राजा मुझे डिक्लेयर कर दो। तो राजा खुश हुआ कि चलो मेरे गुरुजी अब जो है वो बनेंगे, उनके शासन में सब सुखी हो जाएंगे। तो बोला जी गुरुजी। बोले अच्छा अब मैं राजा बन गया हूं, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं अब जाके शासन करो मेरे बिहाफ में या मेरे समक्ष, मेरे एक प्रतिनिधि के रूप में आप जाके प्रशासन करो।
वही राजा ने वही काम चालू किया एक प्रतिनिधि के रूप में और बड़े प्रसन्नता पूर्वक सारा काम हो गया। तो बोला तो बोले इसका मतलब ये है, जब आप कोई काम अपने गुरु के और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हो तो स्वाभाविकता आपका अहम भाव जो है हट जाता है। जब आप ये सोचते हो कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं तो आपको जो है अहम भाव ग्रसित कर लेता है और आपकी चेतना जड़ हो जाती है। तो यहां भगवान कह रहे हैं योग कर्म सुकौशलम, वो कौशल योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो इस प्रकार हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है ये गीता। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कृष्ण भावना भावित कार्य और कर्म फल शुद्ध। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, अगर आप भक्ति करते हैं तो आपके जितने भी कर्म हैं सारे जल के नाश हो जाते हैं। जैसे जंगल में आग लगता है तो सारे प्राणी भाग जाते हैं, वैसे एक बार ये भगवान का नाम लेके और जब नाम जप करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चालू कर देंगे तो अपने आप हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये सारा अपने शिष्य को मुक्त होने का मार्ग भगवान बता रहे हैं और उसमें फायदा हम सबको हो रहा है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सूत्र जो हमने आज तक नहीं सुने थे वो आज हमें सुनने को मिल रहा है। और आप देखिएगा पार्लियामेंट में प्राय 500-600 लोग होते हैं, इतने विद्वान होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं, लेकिन फिर भी रोज लड़ाई, मनमानी, स्वार्थ और गाली गलौज। प्रधानमंत्री हो गया तो भी व्यक्ति जो है वो निंदास्पद माना जाता है। बड़ा दुख की अवस्था है कि इतने विद्वान होने के बाद, क्यों? क्योंकि इसमें भगवान मिसिंग है, भगवान को केंद्र बिंदु में रख के काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं सब अपना अपना स्वार्थ उस बहती नदी में हाथ डाल के अपना हाथ धो रहे हैं। बहुत दुख की अवस्था है। जहां भगवान को हटा दीजिएगा तो केवल पैसा 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 करिएगा तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट से लड़ेगा, हर जाति दूसरे जाति से लड़ेगा, ये अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए सबको ये सोचना चाहिए कैसे हम कृष्ण भावना भावित साम्राज्य बनाएं। और अर्जुन यहां बने हुए साम्राज्य से भागने का कोशिश कर रहा है तो भगवान देख रहे हैं कैसे ये इसके बुद्धि में सही मार्ग समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी चीजों को सुनने के लिए बने रहिएगा आवाज.com पे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लोग रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो यहां पे अर्जुन को उस अंतिम गति की भी बात बता दी, पहले आत्मज्ञान दिया और ये आत्मा कहां से है और ये कहां इसका अंतिम गति है, इस देह को कैसे इस्तेमाल करके हमें उस गति तक पहुंचना है, ये चीज स्वयं भगवान ने अपने मुख से अर्जुन को बताया। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहीं पहुंचे, बड़े बड़े राजा महाराजा भक्त सब वहीं पहुंचे, तुम भी वहीं पहुंचोगे अगर तुम इस चेतना में काम करते हो तो। तो ये चेतना वो है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, ये सारा सृष्टि भगवान का है, ये सारे जीव भगवान के अंश हैं और मैं इन सब का सेवक हूं। ये भावना रख के चाहे आप राजा बने, चाहे आप घर का नौकर बने, चाहे आप गुरु बने, चाहे आप शिष्य बने, चाहे आप गृहिणी बने, कोई भी रोल आप ले लें, लेकिन अंत में अपनी चेतना को भगवान में आप लगा दें तो आप यशस्वी माने जाएंगे। यहां पे भागवत के एक श्लोक में इसकी पुष्टि आती है।
वहां कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। इस भौतिक संसार में द्वंद्व हैं, संकट हैं, आपकी इच्छा से नहीं होगा, क्योंकि यहां अनेक जीव हैं, प्रकृति है, इन सब की अपने अपने नियम बने हुए हैं, उस नियम में ही आप फंसे रहोगे। तो मूर्ख व्यक्ति है जो इस फंसे हुए संसार में अपना रास्ता बनाता है। व्यक्ति वो है बुद्धिमान, जो इधर से निकलने की बात करता है, मुक्त होने की बात करता है, इन विपदाओं से दूर होते हुए अपनी चेतना को भगवान में लगा के मुक्त होने की बात करता है। तो ऐसों के लिए जो गाय के चिन्ह का खूर होता है, बच्चे का, बछड़े का, उसमें अगर पानी हो तो आपको उसमें डूबने का डर नहीं होगा। तो ये भव सागर उतना सा प्रतीत होने लगता है। इसलिए भगवान अपने शिष्य को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और अंत में क्या प्राप्त होगा ये भी बता दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 12वें श्लोक से 30वें श्लोक में आत्मा का ज्ञान दिया, उसके बाद कर्मकांड का ज्ञान दिया, सकाम कर्म का ज्ञान दिया, निष्काम कर्म का ज्ञान दिया, यहां तक कि अभी योग की बात कर ली, मतलब ध्यान के रूप में भी समाधौ न विधीयते, ध्यान का भी बात कर लिया, ध्यान योग का बात कर लिया, और यहां पे अब भगवान भक्ति योग की चरम सीमा शुद्ध भक्ति की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि भगवान सारा ज्ञान देके इसलिए हमें रखे हैं, हम हमारे हैसियत से, हमारी यथाशक्ति से जिस मार्ग को अवलंबन कर सके वहां से चालू कर सकते हैं। बाकी सब जो है वो धीरे 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 हम इसी स्टेज पे आएंगे जब हम भगवान के प्रेममय सेवा के रूप में अपने जीवन को जिएंगे। तो इस दुखमय स्थान से निकलने का ये एक बहुत ही सरल उपाय है। इस संसार को दुखालय भी कहा गया है, क्योंकि यहां हर पद पद पे अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, आपकी अपेक्षा से बाहर नतीजे आते हैं, इसलिए यहां प्राय दुख होने के ज्यादा संभावनाएं हैं। और वैकुंठी एक ऐसा जगह है जहां आपको भौतिक शरीर नहीं होता और भौतिक इच्छाएं नहीं होती, वहां एक ही इच्छा होती है, भगवान को प्रसन्न करना। तो और उधर एनवायरमेंट भी आपको सूट करता है, तो इसलिए वहां वो भौतिक इच्छाएं अपने आप नहीं आती। तो भगवान कह रहे हैं आप उधर जाने की तैयारी करो, अपनी चेतना को यहां से निकालो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को शुद्ध भक्ति और वैकुंठ के ज्ञान की पूरी जानकारी देते हैं, और आगे देखते हैं और भगवान क्या क्या बताएंगे अर्जुन को। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य नमस्क हो जाओगे। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए, जो भक्ति का भी पीछे श्लोक बताया, उसे प्राप्त करने के लिए आपको मोह से अपने आप को दूर छोड़ना पड़ेगा। कई बार लोग मोह को नहीं छोड़ पाते और प्रयास तो बहुत करते हैं, पूजा विधि करते हैं, तुलसी को पानी भी डालेंगे, भगवान की पूजा भी करेंगे, लेकिन पाप काम में भी आगे हो जाते हैं। पाप कोई करना है तो उसमें भी आगे आ जाते हैं। तो पाप और भक्ति को समझना होगा
और धीरे धीरे अपनी चेतना को विकसित करना होगा। वो कह रहे हैं कि यदि कोई मोह को पार न कर पाए तो तुम्हारी बुद्धि जो है मोह रूपी सघन वन यानी जो इस संसार को मटेरियल फॉरेस्ट कहा गया है, एक भौतिक संसार, यहां पे हर चीज मोह है। जैसे कोई शादी के बाद अपनी विवाहित कन्या के साथ वो जीवन बिताना चाहता है तो केवल उसे देख के, उसके साथ जीवन बिता के, उसके प्यार में मोह में रह के वो कब 20-25 साल बिता देता है उसे पता नहीं चलता। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो कर्तव्य बुद्धि से वहीं रहते हैं, ज्ञान लेके मुक्ति का मार्ग नहीं खोजते। बच्चे रहते हैं तो माता पिता के प्यार में आदमी फंसा हुआ रहता है। तो ये बहुत बड़ा सघन वन है और इसमें मोह को जब तक खुद से हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हिलना मुश्किल है। एक बार एक नाव में यात्री सवार थे, 12-13 लोग बैठे थे शादी में जाने के लिए। तो पहले के जमाने में नाव में लोग बैठ जाते थे, नाविक जो है वो रात भर में चला के सुबह तक पहुंचा देता था। तो ये बैठे थे तो जो नौका विहार करने वाला था व्यक्ति वो चला रहा था और सब सो गया। सुबह उठ के देखे तो नाव वहीं का वहीं है। तो बोला ये क्या हुआ? तो बाद में पता चला जो खुट्टा लगा हुआ था वो निकालना भूल गया। तो वैसे ही हम अगर कितना भी कर लें और अगर हमारी मोह को वैसे का वैसे ही रखें तो ये सब विफल चला जाएगा। इसलिए भगवान एक वार्निंग दे रहे हैं कि अर्जुन मोह को तुम्हें जो है वो संभालना पड़ेगा। एक आचार्य अपनी टीका में कहते हैं कि जब अभिमन्यु का युद्ध में देहांत हुआ, अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था जिसको 7-7 योद्धाओं ने एक साथ मारा था, जो गलत था नीति के हिसाब से, कर्ण उसमें सबसे आगे था धोखा देने में। तो जब ये सब हो रहा था तो अभिमन्यु की हत्या हो गई और रात में जब अभिमन्यु का शरीर आया तो अर्जुन फूट फूट के रो रहे थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे और अभिमन्यु के शरीर पे गीला हो रहा था। और अर्जुन देख रहे थे कि नीचे इसका शरीर गीला हो रहा है, ऊपर मेरा सर गीला हो रहा है, पर हाथ देखे तो अरे सर भी गीला हो रहा है, ऐसे कैसे? ऊपर देखे तो भगवान कृष्ण भी रो रहे थे। तो अर्जुन ने कहा, भगवान आप क्यों रो रहे हैं? मैं तो ये इसका पिता हूं। तो भगवान बोले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, अभिमन्यु के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि 18 अध्याय बताने के बाद भी तुम रो रहे हो। तो इस प्रकार मोह में व्यक्ति पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और उसे पता ही नहीं चलता कि अब अगला जन्म आ गया है। क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो तब उसका कोई कंट्रोल शरीर पे नहीं बचता है, फिर वो चाहे तो भी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए विलंब होने से पहले हमें चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में पूर्णतया लग जाएं, नहीं तो अंत समय में ये प्रवचन सुन के भी काम नहीं आएगा। तो इस प्रकार भगवान अब अपने शिष्य को अर्जुन को, अपने भक्त को अर्जुन को, इस वैकुंठ का ज्ञान देने के बाद मोह का जो पाश है उससे भी निकालने का अनुरोध किया है। और आगे देखते हैं भगवान अपने शिष्य से शुद्ध भक्ति के बारे में और क्या कहते हैं। इसलिए आप बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान यहाँ पे अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन वेदों के ज्ञानी थे और पहले राजा महाराजा कर्म कांड इत्यादि बहुत किया करते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान बहुत करते थे। तो स्वाभाविक है कि धार्मिक अनुष्ठान करते करते व्यक्ति किसके लिए धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है ये भूल सकता है। जैसे जब कृष्ण बलराम बच्चे थे, छोटे थे, तो ब्राह्मणों ने यज्ञ रखा था और उनके पत्नियों ने यज्ञ के लिए भोग बनाया हुआ था।
तो यज्ञ जो किया जाता है यज्ञो वही सहा, यज्ञ पुरुष जो है वो स्वयं भगवान विष्णु है। तो जब विष्णु यहां खुद उन्होंने अब एक अपने सखा को भेजा और बोला उन ब्राह्मणों को बोलो कि जो बना भोग है हम ये दे दें, तो उन्होंने मना कर दिया। तो भगवान हंसने लगे, बोले ये लोग ये विधि इत्यादि सब कर रहे हैं, पूजा मुद्रा सब कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए किसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो तो मैं हूं। तब उन्होंने बोला जाओ उनके पत्नियों को बोलो कि कृष्ण और बलराम ने मांगा है। तो ऐसा बोलते ही उनकी पत्नियों ने सारा जो नैवेद्य था वो भगवान को दे दिया, भगवान ने खाया और वो जो यज्ञ ब्राह्मण की जो पत्नियां थी वो मिलने के लिए वहां आए और भगवान से प्रार्थनाएं की, याचनाएं की, और उन्होंने भगवान से बोला कि अब तो हमारे पति हमको घर में लेंगे नहीं, तो आप हमको हमारे साथ आप जहां बोले हम वहीं रहेंगे। तो भगवान बोले नहीं चिंता मत करो, मैं उन ब्राह्मणों को अंदर से प्रेरणा दे दूंगा, आप वापिस जाइए, मैं आपके सेवा से प्रसन्न हूं। तो भगवान यहां वार्निंग पहले ही दे रहे अर्जुन, क्योंकि तुम राजा महाराजा के गैंग से हो तो स्वाभाविक है कि तुम्हें इत्यादि वेदों में जो मार्ग बताए गए हैं उनमें तुम्हें बहुत विश्वास है, परंतु अंतिम गोल मैं हूं और ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा वेदों के अलंकारमयी भाषा से तुम फंस सकते हो, तो इसलिए मेरे लिए करो, मैं आज्ञा दे रहा हूं। अब भगवान ने आस्तिकता नास्तिकता आत्मज्ञान कर्मकांड कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग शुद्ध भक्ति सब तो बता दिया, इसलिए इस अध्याय का नाम ही है गीता का सार। ये कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड इस चैप्टर को इंग्लिश में कहते हैं, गीता का सार, सारा गीता जो है यहाँ पे भगवान ने संक्षिप्त रूप में अर्जुन को बता दिया। परंतु हमारे प्रिय अर्जुन को अगले श्लोक में एक प्रश्न आ गया, उनको लगा कि यही जो बोला है तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा, उसका बोलने का स्टाइल होगा, कैसे करता है सब बताइए, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे अगले श्लोक में। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो अगर आप यहां देखें ध्यान से तो अर्जुन उस स्थित प्रज्ञ की बारे में पूछ रहे हैं जो भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में कहा कि योगस्थ स्थाई रहो, समाधि लेने वाला, ऐसे कर्म करने वाला, ऐसे मेरे को प्रसन्न करने वाला, ये सारे चीजें भगवान ने बता दिए। अर्जुन बोला कि हो सकता है उस बंदे का कोई अपना स्टाइल हो, उस व्यक्ति का अपना कोई पैटर्न हो। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे खाता है, क्या करता है, बताइए। तो ये जो सवाल है ये काफी एक तरह से चाइल्डिश है या बालिश है, लेकिन समस्या ये है कि अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें प्रतिनिधि हैं हमारे, हम जैसे बद्ध जीवों को ऐसे ही लगता है, इसलिए उन्होंने पूछ लिया ताकि आपको समझे कि भक्त जो है या ऐसे कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वो बाह्य नहीं है, उसको आप बाहर से जज नहीं कर सकते, उसकी स्थिति आंतरिक है, जो अभी भगवान अगले कम से कम अगले श्लोकों से लेके अगले 72 श्लोक तक भगवान 55 से लेके 72 तक भगवान वर्णन करने वाले हैं कि वो व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे उठता है, उसकी चेतना में क्या होता है, किस विचारधारा से होता है, ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, भगवान आंतरिक बताएंगे, जबकि अर्जुन ने बाह्य पूछा है। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले श्लोक में, इसलिए बने रहिए आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तो यहां पे भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मनोधर्म से होने वाले इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है इनका त्याग कर देता है, क्योंकि हम मनोधर्म मतलब मन में अनेक इच्छाएं आती हैं, मन का स्वभाव है। वैसे हम इस विषय में सातवें अध्याय के चौथे श्लोक में ज्यादा देखेंगे, परंतु मन जो है ये सूक्ष्म हमारे शरीर में स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था जो आत्मा का ज्ञान है उस संबंध में, कि हम जो है आत्मा जो है इन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर का इस्तेमाल करते हुए आदान प्रदान करता है इस भौतिक प्रकृति से। तो इस सूक्ष्म शरीर का जो एक भाग है वो है मन, और मन का स्वभाव है विचलित होना, मतलब हर बार नया नया इच्छा करना, जो अनुभव किया है उसे पुनरानुभव करने का प्रयास करना, जो अनुभव नहीं किया है उसकी उत्कंठा में इच्छा करते रहना, तो ये मन है। तो इसको कहते हैं मनोधर्म। तो मनोधर्म से जो उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं इनको अगर कोई साइड कर दे, हटा दे और अपने मन को शुद्ध बनाए और अपने साइड करके अपनी चेतना को दिव्य चेतना में स्थित प्रज्ञ में लगा दे तो वो व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। जो अपनी चेतना को, तो अब वो चल नहीं रहा है, वो अपनी चेतना के साथ काम कर रहा है, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ काम कर रहा है। तो ये भगवान ने शुरुआत में एक स्थित प्रज्ञ का जो स्थिति है वो बताया है। आगे देखते हैं वो कैसे चलता है, क्या बोलता है, क्या करता है, कब इंद्रिय विषय भोग आने पर कैसे अपने आप को बचाता है और इंद्रिय भोग विषय को किस दृष्टि से देखता है, क्यों वो विचलित नहीं होता है, इसके बारे में अगले श्लोकों में देखेंगे। बने रहिएगा आवाज.com में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 56। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके, तो उनको मुनि कहा जाता है। क्योंकि मुनि यानी फिलोसोफर, जो तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और अंतिम में निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं वो स्थित कहा जाता है जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। त्रय ताप यानी तीन प्रकार के ताप माने गए हैं, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश। यानी भौतिक क्लेश यानी जो बाहर के होने वाले चीजों से आपको तकलीफ है वो एक तकलीफ होता है, आदि आत्मिक क्लेश मन में होने वाले क्लेशों से होने वाले तकलीफ, आदि दैविक क्लेश जो देवी देवताओं इत्यादियों से यानी बारिश, अकाल, दुष्काल, ये सारे चीजें जो हैं, भूकंप, इनको आदि दैविक क्लेश कहा जाता है। तो तीनों प्रकार के जो ताप है इनको त्रिताप कहा जाता है। इन तीनों तापों के आने के बावजूद भी जो विचलित न हो, जो ये जानता है कि ये प्रकृति का एक रूप है और ये मुझे अगर हानि पहुंचाना ही है तो कैसे भी पहुंचा देगा, अन्यथा नहीं पहुंचाना है तो कैसे भी नहीं पहुंचाएगा, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो तीन तापों के आने के बाद भी विचलित नहीं होता, सुख या दुख आने पर भी वो अति प्रसन्न नहीं होता। जो प्रसन्नता है व्यक्ति को, वो कोई सुख गुड न्यूज आ जाए तो हम बोलते हैं अरे वाह वाह, बहुत खुश हो जाते हैं, उल्लसित हो जाते हैं,
प्राय आप देखिएगा शादी के समय जब बेटे का शादी है तो उसकी तैयारी में इतने खुश हो जाते घर वाले, बेटे की या बेटे की किसी की भी शादी में, बेटी की भी शादी है तो बहुत धूमधाम से उसको नया साड़ी दिया जाता है, गहने खरीदे जाते हैं और सब सबको इनवाइट किया जाता है, एक बहुत बड़ा पर्व की तरह किया जाता है। तो वो व्यक्ति उस चीज को भी कर्तव्य रूप और भक्ति रूप में कर सकता है जब वो ये सोचे कि मेरी जो बेटी है ये भगवान ने दिया हुआ आशीर्वाद है और इसका मैं ये जो है सेवा कर रहा हूं, ये भाव अलग हो जाता है। और मैं इसका बाप हूं, इसका आज मैंने शादी करा दिया और इसके लिए हमने इतना खर्चा किया, ये वही कार्य वही पर भाव अलग। तो यहां वो कह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वो प्रसन्न जो है भौतिक प्रसन्नता से ज्यादा वो आध्यात्मिक प्रसन्नता की तरफ रहता है और आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है। किसी भी प्रकार का आसक्ति उसके लिए सभी जो जीव हैं वो अपने समान हैं। वो जैसे कोई खुद खाता है और दूसरे को भूखा देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, तो वैसा व्यक्ति जो है आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होता है, ऐसे व्यक्ति को स्थिर मुनि कहा जाता है। ऐसे भगवान ने जवाब दिया कि स्थिर होता है और कहां कैसे स्थिर होता है, तो चेतना में स्थिर होता है। तो आगे हम और भी देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की चेतना और आगे कैसे कैसे वो बोलता है, कैसे चलता है, इसका वर्णन हम अगले श्लोकों में भगवान से सुनेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 57। यह सर्वत्रानभिस्त्रेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि संसार के जैसे द्वंद्व हैं, शुभ अशुभ, पवित्र अपवित्र, सुख दुख, शीत उष्ण, जो हमने पहले भी दूसरे अध्याय में देखा, तो ऐसे द्वंद्वों से ये व्यक्ति जो है वो मुक्त होता है। मुक्त का मतलब अगर उसे कोई न्यूज या कोई खबर आती है कि अरे वाह फलाना फलाना को बेटा हुआ, तो जिसको बेटा हुआ वो तो पागल हो जाते कि हमारे घर पुत्र पैदा हुआ, दादी नानी सब खुश हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त है वो भी खुश होता है, लेकिन वो ये सोचता है कि कृष्ण ने मेरे लिए भेजा हुआ ये एक जीव है जो मुझे सेवा का मौका मिला है, तो पुत्र वही जन्म हुआ, वही हर्ष उल्लास है, लेकिन चेतना में फर्क है। क्योंकि पहले वाले में द्वंद्व है, अगर कोई व्यक्ति ये सोचे हाँ है और कल कुछ हो जाए अनहोनी, तो वो फिर भगवान को गाली भी देना चालू कर देगा कि क्या कर दिया भगवान ने मेरे जीवन में, या ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही क्यों होना था और किसी के साथ क्यों नहीं हुआ। तो ये लोग वो होते हैं जो द्वंद्व में होते हैं, द्वंद्व से परे होते हैं। वो व्यक्ति जो है वो शुभ अशुभ से विचलित नहीं होता, ये जानता है कि अगर ये भी हुआ है तो जरूर भगवान का इसमें हाथ है। एक बार एक ब्राह्मण है, अवंती ब्राह्मण, भागवत में उनका वर्णन आता है। तो अवंती ब्राह्मण का जब सारा लूट गया, उनका सारा धन लूट गया और अब वो कंगाल हो गए, उनको खाने तक के कुछ अर्थ नहीं था, पैसा नहीं था, तभी वो अंदर ही अंदर खुश भी हुए। वो सोचे कि अच्छा हुआ जो मेरे साथ हुआ, क्यों, क्योंकि अब मैं जो है भगवान की सेवा में पूर्णतया लग जाऊंगा। यही प्रसंग आता है नारद मुनि का। जब नारद मुनि बच्चे थे तो अपनी उनकी जो माँ थी वो बर्तन मांजने वालों में से और सेवा करने वालों में से थी, तो उधर उनको कुछ साधुओं का दर्शन हुआ उनके माध्यम से, लेकिन आगे जाके उनकी माँ का देहांत हो गया सर्पदंश से। तो अब कोई भी बच्चा रोना चालू कर सकता है, गिड़गिड़ाना चालू कर सकता है, लेकिन यहां नारद मुनि खुश हो गए। वो बोलने लगे कि अच्छा हुआ, अब मेरे एक ही आसक्ति मेरी माँ थी वो भी भगवान ने निकाल दिया, अब मैं भगवान का नाम लेके सब सर्वत्र प्रचार कर सकता हूं। तो शुभ अशुभ जो है वो भक्तों के लिए नहीं होता, ये भगवान इस श्लोक में सिद्ध कर रहे हैं। तो और भी आगे हम देखेंगे भक्तों के लक्षण और स्थित प्रज्ञ के लक्षण,
हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कॉम पे बहुत। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 58। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो यहां पे एक कछुए का उदाहरण दिया है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि कछुआ जो है वो दरवाजे में एंट्री करते तो आपको कछुआ दिखाई देता है। वो दोनों हाथ और पांव ऐसे निकाल के, मुड़ी निकाल के रहता है, सर निकाले हुए। वो प्रतीक है इसी श्लोक का, जहां भगवान कह रहे हैं कि भक्त को, एक व्यक्ति को जब भगवान के संग में आ जाता है या वो शाश्वत चीज के संग में आ जाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो रिलैक्स फील करता है। उस समय वो अपनी इंद्रियों को पवित्र करने के लिए पूर्णतया, जैसे मंदिर में जाते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, तुम्हारे आंख कान नाक गला सब खुला रखना चाहिए, ताकि इंद्रियों के माध्यम से हमें और भी और पवित्र चीजें मिले। और वहां पे इंद्रियों को विचलित होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे जगह चले जाएं जहां इंद्रियों को विचलित होने का समय आए, तो इंद्रियों को दबा के रख देना चाहिए अंदर, जैसे कछुआ कर देता है। कई बार बंबई जैसे शहर में, मुंबई, जहां पे कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, ये सब जो है काफी लोभ प्रद या कह सकते हैं काम प्रद है, तो ऐसे समय व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए और अपनी चेतना को भगवान में लगा देना चाहिए। तो ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साधक को भक्ति मार्ग में अनेक प्रलोभन आ सकते हैं। जब उसे ये लगने लगे कि अरे मैं ये भक्ति तो कर रहा हूं, पर मुझे क्या मिला, एक फटा हुआ कपड़ा और भगवान का नाम करता हूं मैं, इससे अच्छा होता है कि मैं इन सुंदर लड़कियों के पीछे भागता और अपने जीवन को सफल बनाता, तो ये भाव उसे आ सकता है अगर वो ऐसे चीजों का संग करे। तो ऐसे समय में अपनी इंद्रियों को हमें जो है वो पूरी तरह अंदर कर लेना चाहिए, यानी हमारी चेतना से हमारे मन को और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो हमारे आचार्य जो है, अनेक ऋषि मुनि और संत हैं, वो कह के गए हैं कि हमारा मन जो है ये बड़ा दूषित होता है, तो इसको दिन में 100 जो है थप्पड़ मारना चाहिए। थप्पड़ यानी 100 बार हमको याद दिलाना चाहिए कि हमें इस संसार के क्षणभंगुर चीजों में रुचि नहीं रखना चाहिए, और अगर इस चीज से हम अगर बच गए तो जरूर भगवान हमसे प्रसन्न होके हमें वो इंद्रिय देंगे जो वैकुंठ में मिलता है, और हमें वो शरीर प्राप्त होगा जिसमें कोई विकार नहीं है, हमें वो शुद्ध मन मिलेगा जहां कोई विकार इच्छा नहीं उत्पन्न होते। तो इसलिए एक भक्त को इस कुर्म से, कछुए से सीखना चाहिए कैसे एक साधक को इंद्रियों के साथ संयम रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज.com पे आप लोग बने रहिए अगले और कुछ श्लोकों को सुनने के लिए, और हम लोग देखेंगे कैसे भगवान इंद्रियों के साथ साथ अब कैसे ध्यान हमारा भटक सकता है, उसको कैसे बचाना है, इसके बारे में भी आगे बताने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस से, रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्त भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो यहां कहा गया कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य। अगर व्यक्ति इस संसार के रस का त्याग करे और भगवत भक्ति के रस का आस्वादन करे, तो
तो उस ऊंचे आस्वादन को वापिस पुनः प्राप्त करने के लिए वो आराम से इन छोटे निम्न रसों को छोड़ सकता है, क्योंकि संसार के जो रस हैं वो बदलते रहते हैं। कई बार लोग फिल्म के गाने सुनते हैं तो जो गाना आज सुना है वो कल सुनेंगे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, और बाद में रुचि भी बना रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है, बदलते रहते हैं। आज कोई गाना ये गाना पसंद है, 5 दिन बाद दूसरा गाना पसंद है, तो धीरे 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 व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि वो कब इन रस से निकल के भगवद रस में चला गया। पुंडलिक नाम के जो भक्त थे, ये अपने माता पिता को बहुत कुचेष्टा करते थे, उनका निंदा करते थे, लेकिन एक बार वो खुद काशी घूमने गए तो बीच में एक ऋषि के आश्रम में रुके, तो वहां उन्हें गंगा यमुना सरस्वती जी का दर्शन हुआ, और उनके मुख से जब उन्होंने वैष्णव का गुणगान सुना तो उन्होंने वापिस जाके भक्ति मार्ग का अवलंबन किया, अपने माता पिता को अपना गुरु बनाया, और वो इतने अच्छे भक्त हो गए कि स्वयं भगवान दर्शन उसका दर्शन लेने उनके घर गए। तो व्यक्ति जब ऐसे सेवा में लग जाए और अपनी इंद्रियों को संयम कर ले तो उस परम रस को प्राप्त कर सकता है। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति हैं वो इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। तो लेकिन जो भावना भावित भक्त है वो जानता है कि ये सब भी कुछ क्षणों बाद काम नहीं आएंगे। जैसे विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तपस्या किया, परंतु एक मेनका के छमछम पायल के छनक से ही उसके साथ देख के 10,000 साल उनके साथ बिता दिया। बाद में उन्हें ध्यान आया कि मैंने क्या गलती किया, फिर वापस उन्होंने ध्यान किया तो अगली बार क्रोध आ गया। तो ये जब तक भक्ति नहीं करेंगे, तो एक भक्त जानता है कि ये योग धारणा कर भी लेंगे तो भी अहंकार इत्यादि नहीं छूटेगा, लेकिन भक्ति के रस में ये शक्ति है कि व्यक्ति के जितने भी मन में अनर्थ हैं ये सारे हटा के एक ऊंचे रस का आस्वादन मन को मिल जाता है। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। आगे हम देखेंगे स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान क्या क्या कहते हैं, इसलिए बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 60। यततो हि अपि कौन्तेया पुरुषस्य अविपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो यहां पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये इंद्रियों को वश में करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इसको वश में करने का प्रयत्न किया है अपने अहम बल पे या तप के बल पे भी, तो इंद्रियों को वश में करना इतना आसान नहीं है। उसके विपरीत यही जो इंद्रियां हैं ये इतने वेगवान हैं कि और आदमी को, विवेकी पुरुष को, मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। तो इसलिए भक्ति का जो मार्ग भगवान ने बताया है वो जैसे सांप को, नाग को सफेरा बीन बजा के हिलाता है, वैसे इंद्रियों को अगर हमें सही मार्ग में लगाना है तो हमें भगवान के, जैसे हाथ है तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, आंख है तो भगवान के विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं, जिब्बा है तो भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद पा सकते हैं। तो सभी इंद्रियों से हम भगवान में जोड़ने का अगर प्रयास करें तो हमारा सारे इंद्रिय संयम में रहेंगे, अन्यथा अलग से सभी इंद्रियों को हम लोग जोड़ने तोड़ने का कोशिश करेंगे फिर भी कुछ ना कुछ मार्ग से वो निकल जाएंगे। कई बार कई लोग मिठाई खाना बंद कर देते हैं कि अब से हम मिठाई नहीं खाएंगे, तपस्वी लोग अब हम मिठाई नहीं खाएंगे और बहुत कम खाएंगे। लेकिन कम खाइएगा तो बीमार गिर सकते हैं, ज्यादा खाइएगा तो भी बीमार गिर सकते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, उसका एक मॉडरेट लिमिट है। जितना शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जरूरी है
उतना हमें करना चाहिए। तो इसलिए इंद्रियां हम संयम कर लेंगे ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मैं मेरे इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं ताकि ये सब चीजों से मैं मुक्त हो जाऊं। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है जहां पे भगवान वार्निंग दे रहे हैं अर्जुन को कि अपने ताकत के बल पे ये मत सोचो कि आप इंद्रियों को संयम कर लोगे। भगवान के भक्ति में वो रस आस्वादन करने का प्रयास करो। तो आगे हम और देखेंगे आगे क्या क्या भगवान ने कहा। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो सबसे स्मार्ट बंदा है, वो सबसे सही आदमी है जो ये समझ जाए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो ये समझ जाए कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं और ये जो मुझे इंद्रिय मिले हुए हैं, जो मुझे शरीर मिला हुआ है, ये सब उन्हीं की कृपा है। और त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितः। ये सब भगवान आपका है, मैं आपकी सेवा में इस्तेमाल करता हूँ। ये जिस व्यक्ति को समझ जाए वो असली स्थित प्रज्ञ है। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज का उदाहरण बहुत ही सटीक होगा जो भागवत में आता है। अम्बरीश महाराज एक बहुत बड़े राजा थे, उसके साथ साथ एक बहुत ही सच्चे भक्त, शुद्ध भक्त थे जिन्होंने भगवान की सेवा में अपना पूरा जिंदगी बिताया। राजपाट भी जो है वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। उनका वर्णन आता है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर् वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। वो कहते हैं कि अपने हाथों से राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंद पर भेंट किए गए फूलों को की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सब जब भगवान का है, ऋषिकेश कहा जाता है भगवान को, एक नाम ऋषिकेश है। ऋषि यानी इंद्रिय, ईश यानी जो इंद्रियों के ईश हैं, मालिक हैं। तो हमारे सभी इंद्रियों के असली मालिक वही हैं, लेकिन जब उनके अलावा कहीं और उसको इंद्रिय को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका जो है हमें दुष्परिणाम दिखाई देता है। और जब यही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हमारा जीवन हर्ष उल्लास से भरा होगा, और ऐसा व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है। तो यही भगवान यहां अर्जुन को दर्शाना चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, और एक स्थित धीर का यहां पे और एक जो विषय है कि कैसे वो चेतना को मुझ में लगा के और इंद्र संयम करता है, ये भगवान ने अर्जुन को बताया। तो आगे और भी हम देखेंगे कैसे व्यक्ति का पतन होता है अगर वो गलत दिशा में ध्यान लगाता है, तो अगले श्लोक में। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तो शूपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो यहां एक श्रृंखला बताई है।
ये श्लोक और इसके आगे वाले श्लोक एक श्रृंखला में चलते हैं, जहां भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं अर्जुन को कि ध्यायतो विषयान पुंसा, जब व्यक्ति इन विषय भोगों पे ध्यान करता है तो और विषय वस्तु पे ध्यान देने के बाद उसकी इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने में लग जाती है और इंद्रिय कार्यान्वित हो जाते हैं। जैसे किसी को यूएस जाना है, अमेरिका में सेटल होना है, उसने देख लिया कि अमेरिका बहुत अच्छा कंट्री है, तो पूरा दिन रात पढ़ाई में लग के यहां वहां से स्कॉलरशिप फॉर्म सब अरेंज करके व्यक्ति दिन रात उसी काम में लग जाता, उसको प्राप्त करने में, या कोई किसी सुंदर स्त्री को देख के आकर्षित हो जाता है तो पहले उसी को प्राप्त करने में वो प्राय पूरा पॉकेट मनी सारा खर्चा कर देता है कि मुझे ये प्राप्त हो। तो संगा संजायते कामा, और इसको प्राप्त करने की जो उत्कंठा है वो बढ़ते रहती है, और काम वासना, काम यानी प्राप्त करने की इच्छा जो है वो बढ़ जाती है। कामात क्रोधो भी जायते, और काम के बाद क्रोध होता है, अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो भी और इच्छा पूरी हो जाए तो भी क्रोध आने की संभावनाएं ज्यादा ही हैं, क्योंकि इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आना स्वाभाविक है, वो तो सबको समझ में आता है। लेकिन अगर इच्छा पूरी हो जाए तो हमें लगता है कि वो अब सुखी हो गया, लेकिन वो एक इच्छा पूरी होने के बाद और पांच इच्छाएं जन्म ले लेती हैं जिनमें से अनेक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, तो वो क्रोध उसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तो भगवान ने ये साइकिल कैसे क्रोध तक हो जाता है इस श्लोक में बताया है, अगले श्लोक में क्रोध से लेके विनाश तक बताएंगे। तो इसके लिए सुनते रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे क्रोध, जो पिछले श्लोक में हमने देखा था कैसे काम पूरा हो या ना हो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोह यानी पूर्ण मोह, व्यक्ति पूरा मोहित हो जाता है उस चीज को प्राप्त करने में और उस भ्रम में गिर जाता है। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति शक्ति स्मरण शक्ति जो है ये भी कमजोर हो जाती है। आप देखिए कभी कोई बड़ा गुस्सा हो गया हो तो क्या बड़बड़ाते हैं उसे कुछ नहीं मालूम, तो कहते हैं स्मरण शक्ति का भी जो है स्मृति भ्रमश हो जाता है। स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, और जो बुद्धि है, बुद्धि का मतलब है सही और गलत का फैसला करने वाला जो शक्ति है, उसको रैशनल या इंटेलिजेंस भी कहते हैं, तो वो कमजोर हो जाती है। बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और ऐसे बुद्धि का नाश हो जाए फिर आदमी सही निर्णय ले ही नहीं पाएगा। इसलिए दो प्रकार के वैराग्य हैं, एक है फाल्गु वैराग्य, एक है युक्त वैराग्य। फाल्गु वैराग्य मतलब जब व्यक्ति ऐसे व्यतीत ऐसे दिखाता है जैसे उसको किसी चीज की आसक्ति नहीं है, लेकिन अंदर में उसे बहुत आसक्ति रहती है, या वो दिखाता है कि मैं आसक्त नहीं हूं परंतु वो अंदर ही अंदर ये सोचता है कि भोग तो मुझे करना है, तो भोग दबाने की कोशिश करता है, तो फिर भी वो जो है पछताएगा। वो इस पूरे श्रृंखला से जाएगा काम से ध्यान लगाने से विनाश होने तक, श्लोक 62 और 63 मिला के जो स्थिति बताई गई है वो व्यक्ति की हो जाएगी। तो इसलिए इस वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में नहीं लगाता है, तो वो वैराग्य भी जो है फल्गु वैराग्य यानी फालतू का वैराग्य माना जाता है। असली वैराग्य है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य यानी जब व्यक्ति समझ जाता है कि ये सब जो है भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, तो मुझे जो है ये सारे चीजों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो उस व्यक्ति को कहते हैं युक्त वैरागी। और ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो उसने त्याग भी किया है उसमें उसका कुछ त्याग नहीं किया है। इंग्लिश में एक बुक है, द मैन हु सोल्ड हिज फरारी। पहली बात, अगर कोई फरारी बेच रहा है मतलब वो पैसा कहीं रख रहा है,
और अगर वो पैसा रख रहा है तो वो साधु नहीं है। तो मैन हु डोनेटेड इज फरारी बोल देता तो बात समझ में आता। तो यहाँ पे लोगों का, ऑथर लोगों को भी ये समझता नहीं कि साधु होता क्या है। साधु वो होता है जो फरारी भगवान की सेवा में इस्तेमाल करे तो फायदा है, फरारी बेच के क्या करेगा, पैसा कहाँ जाएगा। द मैन हु एंगेज्ड हिज फरारी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज ग्रेटेस्ट। जब हमारे स्वामी प्रभुपाद पाश्चात्य देश में प्रचार करने जाते थे तो उनको रिसीव करने के लिए रोल्स रॉयस जैसे बड़े बड़े गाड़ियां आती थी। तो जर्नलिस्ट लोग पूछते थे, स्वामी जी ये क्या है, आपको रोल्स रॉयस में ले जा रहा, आप तो साधु हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, एक्चुअली मैं तो भगवान का एजेंट हूं, तो मेरे लिए तो सोने की गाड़ी भेजनी चाहिए, इन्होंने तो पत्रे की रोल्स रॉयस भेजी है। तो प्रभुपाद ऐसे बोल के उनको बताते थे कि कैसे एक भक्त को भगवान को इतना रॉयल रखना चाहिए। ऑब्वियसली भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्त बन जाऊंगा तो रॉयल रहूंगा, उसे हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूं। तो यहां पे ये पूरी श्रृंखला को समझना जरूरी है और युक्त वैराग्य के सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है। अर्जुन को भगवान सतर्क कर रहे हैं कि जो सच्चा भक्त होता है वो युक्त वैराग्य के मार्ग से जाता है। तो आगे हम और देखेंगे, भगवान गुण बता रहे हैं सित प्रज्ञ के। तो हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 64। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कृष्ण भावना भावित होने के लिए या भगवद्मय जीवन जीने के लिए, जिसको धार्मिक जीवन कहते हैं। वो कह रहे हैं कि सारे राग तथा द्वेष से मुक्त होना चाहिए और इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति जो है वो भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। एक बार एक राजा था जिसने सोचा, जिसका से बकरी थी, वो बकरी ऐसी थी कि घास देखते ही खाना शुरू कर देती थी। तो राजा ने कहा कि अगर इस बकरी को कोई 7 दिन अपने पास रख सकता है, लेकिन 8वें दिन अगर मैं उसको घास दूं और वो न खाए तो मैं आधा राज्य उस व्यक्ति को दे दूंगा, और अगर वो लेके जाए और ऐसा न कर पाए तो उसका शीश जो है वो कलम कर दिया जाएगा। तो इस चैलेंज को 6-7 लोगों ने एक्सेप्ट किया और 6 लोगों की मौत भी हो गई। तो जो 7वां व्यक्ति था वो बड़ा चिंतित था कि अरे एक बकरी कैसे 7 दिन बाद भी इसको खाना, सबने उसको बहुत घास खिलाया खिलाया खिलाया, लेकिन जब 8वें दिन आते थे उधर लेके राजा के सामने वो घास दिखाते ही खा लेता था। तो अब जो 8वां आदमी था ये सोचा कि अगर मैं लेके जाऊंगा तो मेरा मृत्यु तो निश्चित है, बड़ा चिंतित था। तो एक साधु वहां से जा रहे थे, साधु बोले क्या हुआ बहुत चिंतित हो? तो बोले महाराज मेरा तो आज ऐसा हालत है कि मैं काटूंगा तो भी दिक्कत है और ले जाऊंगा तो भी मैं तो समस्या में फंस गया हूं। तो बोले ठीक है, काम करो उस बकरी को मेरे पास ले आओ। बकरी को इनके पास ले गया, ले जाया गया और बोला 8वें दिन तुम ले जाना और राजा के सामने प्रस्तुत कर देना। तो बोला ठीक है। राजा के सामने जो ही बकरी को लाया गया और बकरी को घास खिलाया, घास दिखाया, बकरी मुंह फेरने लगा, नहीं खाएगा। इधर दिखाया फिर नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है। तो जब बकरी घास नहीं खा रहा था तो राजा बोला कैसे हो गया उसको, राजा ने उस बंदे को आधा राज्य दे दिया। और बोले कैसे किया तुमने? तो बोला महाराज मैंने नहीं किया, एक साधु थे उन्होंने किया। साधु को पूछा गया तो साधु ने कहा जो ही वो बकरी को मैं घर ले गया तो मैंने उसको घास खिलाया, जो ही खाने लगा तो 2 थप्पड़ लगाया, इतना मार मारा है उसको, घास दिखा दिखा के मारा है, इतना मारा है कि उसको अब समझ में आ गया है कि घास मतलब थप्पड़। तो जो ही आप उसको घास दिखाते थे तो उसको समझता था कि अब राजा मारेगा। तो इस प्रकार हमें हमारी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए, इनको विचलित होने से थोड़ा सा तपस्या करके इनको अपने भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो अभी भगवान ने कहा कि वो कृपा प्राप्त हो जाएगी ऐसे व्यक्ति को, तो इसलिए अर्जुन को भी कृपा प्राप्त करना है। तो भगवान कह रहे हैं यही एक सोल्यूशन है अर्जुन,
तुम इसको अप्लाई करो। तो आगे और भी बहुत सारे चीजों को भगवान बताएंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे दैनंदिन गीता में आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे एक स्थिति की बात की है जहां संतुष्टि की बात हो रही है। वो कब प्राप्त होगा? जब वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुखानाम, भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर, जो पिछले श्लोक में हमने सुना कि उस व्यक्ति को इस प्रकार से अहेतु की प्राप्त हो जाएगी, तो वो जब प्राप्त हो जाएगा प्रसादे, यानी भगवान का इस कृपा मिल जाए, सर्व दुखानाम, सारी दुखों को हानि ही क्षय नाश हो जाएगा, तो उसके बाद उसको क्या होगा? प्रसन्न चेतसहा, प्रसन्न चित्त वाला बन जाएगा। एक संत हैं तुकाराम महाराज, वो दिन रात जो है भगवान के भजन करते रहते थे, और सांसारिक जीवन में इतना रुचि नहीं लेते थे, जो आ जाए उसी को खा के दूसरा दिन निकालते थे। तो उनकी पत्नी बड़ी जो है भगवान से चिढ़ती थी, क्या मेरे ये भगवान है, मेरे बाप ये पति को ऐसा बना दिए हैं, हमारे घर में गरीबी है। प्राय माताओं को थोड़ा समृद्धि की आशा होती है, तो वो माताजी फिर भी अपने पति के लिए टोकरी में भाकरी यानी रोटी जैसा चीज और सब्जी ले जा रही थी। पहाड़ पे, एक पहाड़ पे वो भजन कर रहे थे, भंडारा पहाड़ पे। तो जब उनकी पत्नी ऊपर गई तो उनके पाँव में कांटा लग गया। जब कांटा लग गया तो उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा बालक था, उसको पुकारा, तो छोटे बालक ने उस कांटे को दूसरे कांटे से ले लेके निकाल दिया। निकाल दिया तो माता को थोड़ा रिलीफ हुआ। उन्हें बोला, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले, मेरा नाम विठल है, महाराष्ट्र में विठल कृष्ण का नाम है। विठल, बोले उस काले का नाम, भाग यहां से। हाँ, बोले मेरे पति का जीवन तो बर्बाद कर दिया, मेरा भी कर दिया, और यहां मेरे को मदद कर रहा, मैं कांटा वापिस लगा दूंगी अंदर में लेकिन मैं तुझे नहीं देखना चाहती। तो ये बहुत पराकाष्ठा का विषय है, जहां एक भक्त के भक्ति से स्वयं भगवान उस घर को संभालते हैं। ये बहुत ही रोमांचक विषय है, ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति है एक भक्त की। तो वो प्रसाद अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो स्वाभाविक उसकी चेतना जो है वो तुष्ट रूप में जीवन बिता सकती है। और इसी चीज को भगवान अर्जुन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम उस स्थिति पे रहो, या भक्त हम साधकों से कर रहे हैं कि आप उस लेवल पे आइए कि जीवन में सिर्फ पैसा 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 करके कुछ नहीं मिलेगा। आपको एक समय आएगा जब आपको ये विश्वास करना होगा कि भगवान सब अवश्य रक्षी भय कृष्ण, भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। और आगे हम देखेंगे कैसे, किस संबंध में रहने से, किस नहीं रहने से क्या रिजल्ट आता है, अगले श्लोक में भगवान बताने वाले हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। .com पे बहुत दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 श्लोक 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? तो भगवान यह कह रहे हैं अर्जुन को कि जो कृष्ण भावना भावित है और वही सुख है, उसको ही शांति है, क्योंकि वो ये जानता है कि भगवान परम भोक्ता हैं, भगवान सबका ख्याल करते हैं, मुझे केवल उनके इस प्लान में उनके साथ रहना है। लेकिन जो ये सोचता है कि मेरा अपना प्लान है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति के लिए शांति मिल पाना बहुत ही मुश्किल है।
तो वो भगवान इसलिए कह रहे हैं अशांतस्य कुतः सुखम, अगर कोई अशांत है तो उसे सुख मिलने का कोई संभावना नहीं है। और मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जो जीवन में अंतिम लक्ष्य है भगवान की धाम को प्राप्त करना, भगवान की सेवा को, प्रेममयी सेवा को प्राप्त करना, ये अगर किसी को जीवन का उद्देश्य ही मालूम नहीं है तो वो जो भी करेगा एक सपने के समान है, बस भ्रमित सपना। कई बार व्यक्ति पैसा जमा करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पूरा जीवन एक एक पाई जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं और तब एक छोटे से हार्ट अटैक से या किसी छोटे कारण से मृत्यु हो जाता है और सारा कमाए धमाए मेहनत किया सब यहीं रह जाता है। तो जो व्यक्ति ये समझ जाए, सिकंदर से कहते ना दोनों हाथ खाली छोड़ के गया, क्यों, तो कुछ लेके नहीं गया, वैसे ही हम लोग भी अगर ये समझ जाए कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य कुछ और है तो हम हमारे अर्थ को, हमारे शक्ति को, हमारे सामर्थ्य को उस दिशा में ले जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि व्यक्ति अगर सच में शांति चाहता है तो उसे इस गति में काम करना होगा, इस दिशा में काम करना होगा। तो आगे देखते हैं और क्या भगवान बताते हैं उस स्थितधी के बारे में। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 67। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनु अनिविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो हमारे पांचों इंद्रियों को, क्योंकि यहां जब इंद्रिय संयम की बात हो रही है, पांचों इंद्रियों में कोई भी एक इंद्रिय, आंख, कान, नाक, एक भी अगर कहीं थोड़ा विचलित हो गया तो बाकी इंद्रियों को भी वो काम पे लगा देती है। उदाहरण के लिए अगर कोई किसी सुंदर स्त्री का दर्शन कर ले और उसको प्राप्त करने की इच्छा कर ले तो अपने आप हाथ पांव जो बाकी इंद्रिय हैं वो उसी कार्य में लग जाते हैं। या कोई पंच पकवान में से कोई ऐसा पकवान सूंघ ले कि उसे खाने का मन करने लगे तो बाकी इंद्रिय भी उसी काम में लग जाते हैं। तो अगर मन को हम इन पांचों इंद्रियों को के वश में नहीं रखते हुए मन को ही अगर भगवान की सेवा में लगा दें, मन से निरंतर भगवान के लीलाओं का, उनके रूप का चिंतन करें, उनकी सेवा का चिंतन करें, तो ये इंद्रियों का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान मन को नियंत्रित रख के कैसे आप अपने इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसको हम आगे और देखेंगे क्या करके हम इंद्रियों को, और भी जो बड़े बड़े संत हैं वो कैसे इसको संयम करते हैं, अगले श्लोक में भगवान ने बताया है। इसलिए बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 68। तस्मादस्य महाबाहो निगृहतानि सर्वशः इंद्रियाण्यन्द्यार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जिन पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि स्थिर होने के लिए, ये जैसे नदी समुद्र का जो लहरें हैं वो देखिएगा अस्थिर होती हैं, वैसे ही इंद्रियों को अगर वश में नहीं किया तो हर इंद्रिय अपने अपने इच्छा के लिए भागते रहेगा। और मनोरथे नासति धावतो बही, मन के रथ पे बैठ के इंद्रियां जो हैं वो पूरी दुनिया घूम के आ जाएंगी और प्राप्त कुछ नहीं होगा। तो यहां पे इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए तो सहज रूप से व्यक्ति स्थिति को प्राप्त कर सकता है। एक भक्त थे, उनका नाम है तिरुमंगई अलवार, दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके हाथ से श्रीरंगम का मंदिर बनाया गया था। तो इनकी
इनके जीवनी में भी यही ऐसा कुछ था कि ये बहुत ही एक डकैत टाइप के प्रकार के व्यक्ति थे, जो लोगों को लूटते थे, गाली देते थे, डांटते थे। और एक बार क्या हुआ तो किसी माताजी को देख के इन्हें प्रेम हो गया और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो उन्हें पता चला कि ये लड़की वैष्णव है। तो लड़की ने कहा, मैं शादी तो करूंगी लेकिन अगर तुम रोज वैष्णव की सेवा करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी एक साल बाद। तो लड़की के प्रलोभन में, विवाह करने के प्रलोभन में, इन्होंने उसे वचन दे दिया कि मैं साल भर सेवा करूंगा। करते करते उन्होंने सभी वैष्णव को अपने घर बुलाया खाने के लिए और अपने हाथों से बना के परोसते थे। करते 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 इतना वैष्णव का सेवा किया और वैष्णव का संग किया साल भर कि साल के अंत में वो भूल गए कि वो किसके लिए सेवा कर रहे हैं। फिर वो लड़की खुद आई कि आप मुझे पहचानते? बोले, नहीं, हम नहीं, याद नहीं है मुझे आप कौन है। तो ये परिवर्तन हो जाता है व्यक्ति में अगर कोई भक्तों का संग करे। तो ये फर्क है जब हमारी इंद्रियां एकदम संयम में नहीं है, परंतु हम भगवान के किसी भी सेवा में अगर लग जाएं तो हमारी अंदर की वासनाएं, हमारे जो इंद्रियों की अतृप्तता है वो तृप्तता में बदल जाती है। तो हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे आगे और इस श्रृंखला को समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो यहां पे भगवान उस स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब लोग सोते हैं, कौन से सोते हैं? अज्ञान में सोते हैं, तो ये ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को विचरण करते हैं, जो स्थित मुनि हैं उनकी बात हो रही है, स्थित धीर। और जब वे जागते हैं यानी भौतिक रूप से अपनी इंद्रियों को भोग में लगाते हैं, तब ये व्यक्ति जो है वो सोता है, मतलब अपनी इंद्रियों को वहां नहीं लगाता है। जहां जब कोई रॉक डांस जा रहा है तो ये भक्त वहां नहीं जाएगा। वो जानता है कि वहां जाना मतलब इंद्रियों को खाली छोड़ना, मतलब अपने अंदर और जहर भर के लेना। तो वो ऐसे चीजों से बहुत दूर रहता है, नशा करने से, जुआ खेलने से, परस्त्री व्याभिचार करने से, मद्यप्राशन या नॉनवेज इत्यादि खाने से दूर रहते हो। जानता है कि ये सब जो है ये हमारे इंद्रियों को और भटकाएंगे, और इसलिए यहां कहा कि जब उनका दिन होता है तो इनका रात होता है, और जब उनका रात होता है तो इनका दिन होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भक्तों के लिए। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आवाज.com पे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 70। अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को समुद्र की तरह होना चाहिए, जहां हजारों हजारों नदियां एक साथ अंदर भी आती हैं तो भी उसका जो उसके ऊपर होने वाला प्रभाव कुछ नहीं होता। अगर नदी सूख भी जाए तो भी गर्मी में उतना ही पानी रहता है समुद्र में, अगर पानी बाढ़ आ जाए सभी नदियों में फिर भी समुद्र में उतना ही पानी होता है। तो भगवान कह रहे हैं जो वो पुरुष जो होता है, जो स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है, वो समुद्र की तरह है। वो नदियां इच्छाएं, नदियों को इच्छा का भी स्वरूप बताया गया है कि बहुत सारी इच्छाएं अगर उस व्यक्ति में आ भी जाए तो भी वो विचलित नहीं होता, और गंभीर और स्थिर रूप से। समुद्र बहुत गंभीर होता है, गहरा होता है, वैसे वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत गंभीरता से सारे चीजों का विचार विनिमय करके निर्णय जीवन में लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कभी भी विचलित नहीं होते।
तो ये स्थित प्रज्ञा का और एक गुण भगवान ने यहां बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे देखते रहिए आवाज.com पे। हरे कृष्णा। दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निराहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्धि अवस्था है। तो अगर हम सारे इच्छाओं का परित्याग कर दें और इच्छा रहित रहें, अब ये कौन सी इच्छा है? भौतिक इच्छाएं। आध्यात्मिक इच्छा तो रखनी पड़ेगी, लेकिन भौतिक इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना भौतिक और आत्मा का। तो स्वाभाविक यहाँ इच्छा छोड़ने की बात भौतिक चीजों की हो रही है, क्योंकि इच्छाओं का समस्या ये है कि एक पूरी हो भी जाए तो 5 को जन्म देती है, और इच्छा नहीं पूरी हो तो दुख देती है, और वापिस वही इच्छा पूरी करने के लिए हमें तत्पर करती है। और इच्छा अगर पूरी हो भी जाए, कुछ मिल भी जाए, तो जो सुख केवल प्राप्त करने तक है, मिलने के बाद कोई सुख नहीं देता। जैसे कोई कार खरीदना चाहता है तो कार खरीदने के लिए पैसे बचाता है, थोड़ा थोड़ा पूंजी जमा करता है, और जब कार लेते हैं तो कार लेके फोटो खींचते हैं, फिर बाद में एक बार कार थोड़ा यहां वहां कहीं घस गया तो हो गया, फिर दुख चालू। तो लेके भी वो चीज सुख देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। कई बार माता पिता जो इस जनरेशन के हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अमेरिका भेजा, और वो बच्चे वहां से अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो फिर क्या फायदा ऐसे पढ़ाई करके। तो हमें लगता है कि ये चीज हमें सुख देगा, लेकिन वो ऐन मौके पे दुखी देता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस जंजाल से निकल के अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा से जोड़ता है, ना कि इस भौतिक प्रकृति के दिखाए हुए रूपों में। बड़े बिल्डिंग हैं, बड़े गाड़ियां हैं, इन सब चकाचौंध चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि व्यक्ति केवल भगवान के पीछे भागे। तो इस प्रकार भगवान स्थित प्रज्ञ की परिभाषा करते हैं, और आगे एक और श्लोक में स्थित प्रज्ञ के बारे में बोल के समाप्त करेंगे। तो इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। यह अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, जहां भगवान इस ब्रह्मी स्थिति यानी आध्यात्मिक स्थिति का उस व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ईश्वरीय जीवन का पथ है। अगर जब तक व्यक्ति ईश्वरीय जीवन ना जिए, वो उसे फिर अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, ये कहां से आया। लोग बोलते हैं अरे नहीं, ईश्वर ने नहीं है, कोई ईश्वर वगैरह नहीं, अपने आप आ गया। तो अपने आप आ गया तो कहां से आया भाई, कहीं से तो आया होगा, अपने आप भी आया। तो इसलिए ये ईश्वरीय जीवन पथ अगर कोई समझ जाए एक बार, तो फिर उसको समझ में आता है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं केवल यहां एक प्यादा हूं, मैं एक जीव हूं इस असंख्य जीव में। तो वो मोहित नहीं होगा, और अंतिम समय तक अगर व्यक्ति इस प्रकार स्थित हो जाए तो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। और ये भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। कि अगर कोई व्यक्ति अंत में मेरा स्मरण करे तो वो मेरे धाम मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरे भाव को प्राप्त कर लेगा। तो ये बहुत अच्छा संदेश भगवान ने इस पूरे दूसरे अध्याय में
स्थित प्रज्ञ के बारे में भी बताया, सारे योग बताए, परंतु अब अगले अध्याय में अर्जुन को आने वाले प्रश्न हैं, उनका क्या प्रश्न था और उसका क्या निराकरण था वो हम लोग तीसरे अध्याय में देखेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।